Okay, Benji, you are live. और आपका स्क्रीन भी तैयार है उधर देख लिया Benji? उसका आगे भी ला सकता है थोड़ा इसके बाद वाला पेज हम आज क्या समझेंगे हाँ मैं इधर आता हूँ अच्छा नेक्स्ट पेज आवाज आ रही हेलो आवाज है नहीं आ रही नहीं आ रही वॉल्यूम लो है इधर दुखी कौन हाँ ठीक है और टावर चालू किया है अविनाश जी हाँ हेलो हाँ अभी सही है हेलो आवाज वो सेफ ठीक है आप दूसरी बात चलते हैं ना कम वेट में रखते हैं और जब स्पीड का रेडी जय जय टेन फोर्टी फाइव तो शुरू करना लगता है तब तक अपने पास पांच सात बजे हैं तो आप लोग को एक होमवर्क देती हूँ अभी चार मिनट है बस तो हमारे जीवन में हमें क्या दुख है सबको अपने अपने नाम मत लिखिए लिखना तो लिखिए हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे सब आपको अपने पास लिख के रखना है क्योंकि हम जिस समाज में हम अपने दुख सामने वालों के पास बताना नहीं चाहते हैं तो मैं ये कहता हूँ आप अपने पड़ोसी के दुख सब लिखिए अपने दुख हाथ में ज्यादा अच्छे से लिखता है जब बताना हो जना मेरी सहेली को ऐसी तकलीफ है मेरी फ्रेंड को ऐसी तकलीफ तब जब पूछूं तो फ्रेंड के नाम पे मैं पूछ लूंगी ठीक है अपनी तकलीफ अपने नाम से बताना ठीक है पर आपकी डिस्क्लोज नहीं होगी पर अपने अपनी जानकारी के लिए आप लिख लीजिए कि हमें क्या क्या तकलीफें हैं उन तकलीफों का समाधान हमें मिल रहा है कि नहीं आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग से प्रोग्राम से तो आपके चलिए प्रॉब्लम सॉल्व तो उसके लिए लिखना जरूरी है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं पर जाते हैं तो सब बताना भूल जाते हैं दो चार बताते हैं फिर आखिर तो हम भूले ना तो अभी शांति से जब तक हमारे पास पाँच सात मिनट का टाइम है अब सब अपनी अपनी लाइफ की जितनी भी तकलीफें हैं छोटी मोटी सब सब लिख लीजिए फिर मैं आपको बताऊँ मैंने पढ़ी नहीं है आपकी तकलीफें आपके पास ही हैं फिर मैं आपको बताऊँगी आपको ये तकलीफ होती है ये तकलीफ होती है तकलीफ होती है जब मैं आपसे बिना पूछे आपकी तकलीफ बता दूंगी फिर उसका इलाज बताऊंगी तो आपको भरोसा हो रहा कि हाँ मेरी तकलीफ उन्होंने मेरे बिना कही मेरे फेस देखकर जान ली तो ये जो इलाज बताएंगे वो सही होगा डॉक्टर पे भरोसा कैसे आता है ऐसे तो भरोसा करते नहीं हो तो आप मेरा फेस देख के मेरी तकलीफ बता सकोगे बिना मैं आपको बोली मेरी क्या तकलीफ है आप लिखिए अब आप लिखिए अभी तो आपको लिखने का टाइम दिया है अभी नहीं, फिर मैं बताऊंगी यहाँ पे तब आप मिलान कर दीजिए आपकी हो रही है ट्रेन ओ मैं जो लिखूं वो आपके हाँ वो मैं लिख के लाई हूँ इसको क्या कहते तकलीफ है वो इंडिविजुअल मेरा ऐसे इंडिविजुअल नहीं जो हम बताएंगे उसको तकलीफ है सबको या तो दर्द होता है अब दर्द आपको कहाँ ये बात अलग है दर्द तो होता है ना अब वो सिर में है जी पेट में है जी पैर में है बात अलग है ठीक है ना तो बीमारी की जड़ में जाना और बीमारी का इलाज करना वो चीजें हैं ठीक है तो अभी आप लिखिए सारी चीजें सस्पेंस में भी खोल दोगे तो एंड तक क्या रहेगा अभी आपको सात मिनट इसके लिए आप सब इसलिए सबको अपने अपने इंडिविजुअल लिखना रहेगा हाँ नहीं तो ये पेन और पेपर नहीं तो पेज एक दूसरे से ज्यादा पेज है आधे फाड़ दिए एक दूसरे को दे दीजिए इसलिए मैंने टाइम दे रही हूँ तो पहले आप लिखिए फिर पेन और पेज का ट्रांसफर कर देना नुपुर जी को मैंने बोला था इनकी जरूरत पड़ी थी सबसे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल देना अपने अपने लेके आए या फिर यहाँ हॉल में व्यवस्था कर लो बीच बीच में और भी मैं बताऊंगी तो आपको लिखना रहेगी चीजें ये प्रवचन और क्लास नहीं है वर्कशॉप है तो इसमें बीच बीच में आपको एक्टिविटी देंगे करने को तो वो आपको एक्टिविटी करनी रहेगी
जो एक्टिविटी करेगा, एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा, लाभ उसको उतना मिलेगा। जैसे कि हम जाते हैं ना वहाँ पर, कहाँ पर, डिज्नीलैंड, तो हमने इतना पे किया है तो वो सुबह 8 बजे खुलता है मान लीजिए, तो हम 7 बजे से लाइन लगा के 5 बजे से उठते जाते हैं, क्योंकि हमने क्यों उसमें यदि 11 बजे जाओगे तो अलाउ नहीं हो रहा, 2 बजे जाओगे तो अलाउ नहीं हो रहा, होगा पर हम पैसा तो हमें फुल पे करना है, तो यूज हमारा हो रहा 50%, तो मुझे पूरा पैसा वसूल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको पूरा एडवांटेज लेना है, तो इसलिए एक पेन और एक कॉपी जरूरी है अपनी, क्योंकि ये मेरी तकलीफ है नहीं है, आपकी तकलीफ है, आपको कैसे दूर करना है वो तकलीफ ही नहीं बताएंगे, उनको दूर करने का उपाय भी बताएंगे, उसको उस ढंग से आप फॉलो करोगे तो वो तकलीफें दूर होंगे। शांति से विचार के जो भी छोटी बड़ी, जितनी भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी है सब लिख लीजिए आप, और थोड़ा बीच बीच का गैप भी छोड़िए, एक लाइन लिखा दूसरा लाइन गैप छोड़ दीजिए, कभी याद आए तो एक आप अपना बना लीजिए, शरीर संबंधित ऐसे ग्रुप बना लीजिए, जैसे आँख की दर्द है, कान की दर्द है, हम बनाते हैं ना, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, दोस्तों ये चीज़ बताएं, पर ये मैंने प्रीवियस में दवाई ली है, ये वर्तमान में ले रही हूँ, ऐसे सब चीज़ें, तो कहीं हम कुछ बीच में ऐड करना तो कर सकें। अब 2 मिनट में टाइम हो जाएगा। गुजराती वेला के तो ठीक है ना, हाँ गुजराती हिंदी इंग्लिश, गुजराती हिंदी इंग्लिश मराठी मारवाड़ी जिसमें लिखना हो लिखो, अपनी अपनी भाषा में सब कुछ, जिसको जिसमें लिखना हो लिखो। प्रदीप भाई अपन चालू करेंगे, दूसरे क्यों चालू करेंगे, सुखी हम सुखी क्यों, वहां से चालू करेंगे ना, क्या हम सुखी है यहाँ से, पहली स्लाइड ले आई है, पहले यहाँ पहली बार आज, क्या हम सुखी है, शुरुआत तो अच्छी चीज से करें। हो गया टाइम, करते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में एक प्रचलन है, विधि है कि मंगलाचरण करते हैं, जो काम हमने आरंभ किया है उस शांति पूर्वक निर्विघ्न समाप्त हो, उसमें बीच में कोई विघ्न ना आए, तो निर्विघ्न समाप्त हो कार्य उसके लिए हम मंगलाचरण करते हैं, तो हमने मंगलाचरण किया। पर जो हम ये सेशन ले रहे हैं इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, इसके लिए एक हम संकल्प करेंगे यहाँ बैठकर, पहले मैं बोलूंगी बाद में आप दोहराएंगे। मैं ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ, मैं ज्ञान प्राप्त कर उठूंगा, मैं ज्ञान प्राप्त कर उठूंगा, मैं सुख की खोज में आया हूँ, मैं सुख की खोज में आया हूँ, मैं सुख खोज कर रहूंगा, मैं सुख खोज कर रहूंगा। हमारे सेशन का नाम है आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, पहले इसका मतलब समझ लें, इंग्लिश में है तो इंग्लिश का मतलब आप मुझे अच्छी तरह से समझाएंगे, बशर्ते मैं आपको समझाऊं,
तो पहले से ही कह रही मैं तो इंग्लिश में बहुत कमजोर हूँ, फिर भी आर्ट मतलब क्या, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का मतलब आप क्या समझते हैं बताएंगे कोई? हाँ बताएं। एक माइक प्रदीप जी, एक माइक दीजिए इधर, हमारे पास दो माइक रहेंगे, एक माइक आप पास ऑन करते रहिए। आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, ये आपने नाम सुना कि आज हमारा सेशन होने वाला है, तो इससे आपने क्या समझा, क्या समझे और क्या इम्प्रेशन लेटर आए हैं कि आज हमको क्या मिलने वाला है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पहली बात ये कि आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग का मीनिंग क्या है, शाब्दिक अर्थ, इससे आपके दिमाग में इम्प्रेशन क्या आता है और आपके दिमाग में कल्पना क्या आई कि मैं हम यहाँ पर क्या हो रहा क्या करेंगे? ठीक है, हमारा देखिए शुरू से क्या हम सुखी हैं, तो एंड में हमने यहाँ पर किस लिया है, हमने एक ऑथ लिया है, संकल्प लिया है। ऑथ का मतलब तो सब जानते ही हैं, क्या संकल्प लिया है कि हम ज्ञान स्वभावी तो हैं पर हम ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, यहाँ आप इसलिए आए हो नॉलेज प्राप्त करने आए हो ना, तो यहाँ से जाओगे तो कुछ नॉलेज लेकर जाओगे, तो आप ऐसे जैसे आए थे वैसे ब्लेंड नहीं रहना है, कुछ नॉलेज लेकर जाना है, ये संकल्प आपका पूरा होगा कि नहीं रहेगा? हम ऐसा संकल्प कराते ही नहीं है जिसमें हार निश्चित हो, उसी बात हमें सुखी खोज में आए हैं, तो क्या हम सुखी हैं? यदि हम खोज में आए हैं तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमें दुख है, हम सुखी नहीं हैं, ठीक है? तो हम यहां से जाएंगे तो सुखी की खोज करेंगे, सुख प्राप्त करने उठेंगे, सुख खोज कर उठेंगे, सुख खोज की कल्पना करनी है और यहाँ तब तक आते रहेंगे जब तक हमें सुख की खोज हमारी कंप्लीट नहीं होती है, उस संबंधित ज्ञान हम प्राप्त कर जाएंगे कि सुख की खोज कैसे की जाती है, कब की जाती है। अब मैं आपसे पूछूं कि सुख क्या है, क्या सुख का सही स्वरूप हम समझते हैं, सुख क्या है, सुख कहाँ है, सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो आप बोल सकते हैं कि नहीं हमें पता नहीं है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, हमारे आने का कारण ही है कि सुख कहाँ है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सुख क्या है, क्या हम उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम सुख की चर्चा नहीं करते हैं, तो दुखी तो हम है ना, दुख तो हमने भोगे है ना, पर प्रॉब्लम क्या है, हम दुखी तो हैं लेकिन सार्वजनिक रूप से हम अपने आप को दुखी डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं। हमारे अंदर मनुष्यों में मान कसाई प्रधानता है, हम माइक इधर दे दीजिए पास ऑन करते रहेंगे, माइक चालू में माइक का वेट कर रही हूँ, बोलो नहीं आप हाथ में दे दीजिए पास ऑन करने का, हम वो करते रहेंगे। तो मेरा कहना था, अपनी बात चल रही थी कि हम दुखी तो हम हैं पर शायद हमने अपने दुखों पर भी विचार नहीं किया और हम अपने दुखों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, हमने दुखों की दूसरे लोगों में जो फीलिंग की है अपनी फीलिंग हम दूसरों के नाम से भी बता सकते हैं, मेरे पड़ोसी को, मेरी सहेली को, मेरे पास एक समस्या आई है, मैंने ऐसे दुखी दुख देखे हैं, उनके ये दुख हम कैसे दूर कर सकते हैं और उन्हें को दूर करने के हम ये उपाय कर रहे हैं, क्या वो सही है, इन सब विषयों पे हमारी आज चर्चा चलेगी। अब अपना विषय चल रहा था कि आज का शीर्षक है आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, तो आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग का मतलब आप क्या समझे, आप बताइए, आप लाइफ को कैसे जीना है, माइक पास में, माइक ऑन है, हाँ ऑन है, पास में बोलिए, हाँ चलिए, लाइफ को कैसे जीना है, द डिफरेंट वेज ऑफ हाउ टू लिव लाइफ, ठीक है आप लीजिए आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, हाँ कुछ चेंज, कोई और कुछ चेंज बोलना चाहता है तो दे दी माइक पास कर दीजिए, किसी और चेंज बोलना है कि आप क्या समझते हैं यहाँ आए हैं, कोई और इधर जेंट्स में कोई कुछ बोलना चाहता है, हाँ इधर जेंट्स में माइक पास कर दें, Art of happy living means what is the process to go through that process to make me happy within myself. Art of happy living means मेरी आत्मा है मैं उसको जानता नहीं हूँ और सारे दूर पर को जानने के लिए भटकता रहता हूँ,
तो मुझे अपने में जाने के लिए सुखी उसमें निर्मल भाव में रहने के लिए ये मैथ बताना है। कोई और कुछ बोलना था? मैं तो सिंपल सा आर्ट ऑफ कैपिटल में सीधा सच्चा अर्थ पूछना चाहती हूँ, इतने गहरे अर्थ नहीं चाहिए। मैं बताऊँ? हाँ। हम अपने जीवन को कैसे सुखी बना सकते हैं उसकी कला, जीवन में कैसे प्रसन्नता ला सकते हैं उसकी कला, उसको आर्ट ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं। आर्ट मतलब कला, जीवन जीने की कला, और वो हैप्पी, हैप्पी मतलब सुखी नहीं, थोड़ा करेक्शन, मैं सुख शब्द का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, मैं खुशी, हैप्पी यानी खुशी, सुख हैप्पीनेस से अलग है। जैसे कि किसी को केले के छिलके पर पैर पड़ा और फिसल के गिरा, हम हंस देते हैं, हम खुश तो हुए हैं, सुखी नहीं हुए। तो खुशी में और सुखी में थोड़ा अंतर है। आप कोई एडवेंचर स्पेस देखने जाते हैं तो खुश तो होते हैं, सुखी नहीं होते हैं, समझ रहे? तो इसलिए हम यहाँ पे लॉटरी में जिसे सुख कहा जाता है और अलॉटरी में जिसे सुख कहा जाता है उसकी चर्चा नहीं है। यदि कोई सुख शब्द का प्रयोग कर रहा है उसे आप खुशी के अर्थ में ही लेना, ठीक है? क्योंकि हम दुनिया में कहीं सुख और कभी खुश ये प्रयोग करते हैं। इस पूरी सीरीज में जब हमें दूसरे सुख की चर्चा करनी होगी उसको स्पेस बताएंगे, अन्यथा जो सांसारिक सुख है उनके ही खुशी है, उनके ही हम सुख शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सभी लोग, ये मान के चलना है ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे किसी को, ओके? तो लॉटरी जीवन में क्या धार्मिक सिद्धांतों का सहयोग लेकर हम अपनी लाइफ को टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं? हमारी लाइफ में बहुत सारे टेंशन है, बहुत सारे स्ट्रेस है, थोड़ा सा टेंशन और स्ट्रेस में अंतर है, इसलिए दोनों शब्द का प्रयोग कर रही होगी। फिर मैं सिर्फ टेंशन का करूंगी, टेंशन के ऊपर वाली स्टेज आ जाती है स्ट्रेस, ठीक है ना? तो टेंशन रह रहा तो स्ट्रेस हो जाता है, फिर इससे फ्री अपनी लाइफ बना सकते हैं क्या? आजकल बहुत टेंशन है और अनेकों सारी तकलीफें टेंशन से ही होती हैं, उन्नति में बाधक भी टेंशन ही है, तो उसके लिए हमें इस पर विचार करना है। तो अब हमने क्या हम सुखी हैं आज हम क्या समझेंगे इस लाइन लाइन नेक्स्ट लाइन इसके बाद वाली? हाँ, तो हमने हमारे प्रतिज्ञा ले ली कि हम आज क्या करने वाले हैं। तो हमारे जीवन में क्या क्या दुख है? अब मैंने कहा कि आप सुख बताइए, तो आपने कहा वो तो हम आपसे सुनने आए हैं, तो चलिए दुख दुखों से तो आप परिचित है ना, तो सब अपने अपने दुख लिख लिए सबने, स्टेप पार हुआ, जो लेट आए हैं उन्होंने नहीं लिखे हैं। तो मन में सोचने से काम नहीं चलेगा, मन में सोचते तो कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। सबको अपने अपने दुख एक बार लिखने हैं कि ये मेरे दुख हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि सबके स्लिप फाड़ के दुख जो हैं, क्योंकि आप स्लिप लेके बोलेंगे ये हमारे दुख हैं तो लगेगा हमारे हैं। अब कोई किसी की राइटिंग पहचानता नहीं है इतनी, तो जो स्लिप आपने लिखी है उसको लीजिए, फोल्ड कीजिए और यहाँ पर रख दीजिए। हम उसको हिलाकर कोई भी एक उठाएंगे, पढ़िए ये दुख हैं, हम उन दुखों को पढ़ेंगे, कितने दुख हमारे सामने आए हैं। और जो बोर्ड पर लिखने में फैमिलियर है तो वो तुम दुखों को हम सबके दुख जो कॉमन दुख है उनको इस बोर्ड पर लिखेंगे, ताकि पर्ची में है तो सब कुछ समझ में नहीं आ रहे ना, तो कौन से हो रहे हैं, तो उन दुखों को हम यहाँ बोर्ड पर लिखेंगे। तो एक जन आके हम दुख बोलेंगे उस बोर्ड पर लिखते जाएंगे, यानी पहली स्लिप आई वो सारे दुख हमने उसमें लिख लिए, अब दूसरी स्लिप आई तो वो उन्हीं दुखों में शामिल हो गई, या नहीं भी अलग से है तो अलग लिख देंगे, नाम नहीं है तो उसमें शामिल हो जाएगी। तो इस तरह सभी के दुख बिना नाम बताए हमारे इस टेबल पर आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे बोर्ड पर। बाद में यहाँ पर चला मेरा एक दुख बचा था, उसका इलाज नहीं मिला, इसलिए यदि आपने नहीं लिखे हैं तो अभी लिखिए, और जिन्होंने लिख लिए हैं वो आएंगे बोर्ड पर। पेन कहाँ है बोर्ड पर लिखने का? पेन चाहिए हमें बोर्ड इसलिए कि लिखना है कुछ। देखिए डॉक्टर के लिए पास, देखो डॉक्टर से हमें कुछ छिपाना नहीं चाहिए। यदि हमें अपना इलाज कराना है कि नहीं मेरे इनर पार्ट में दर्द हो रहा है, पर इनर पार्ट तो मैं कैसे बताऊं, तो मैं जो बाहर का पैर के ऊपर के हिस्से में दर्द है तो पैर का नीचे का हिस्सा बता दूं कि मुझे इधर दर्द है, डॉक्टर से शरण की संकोच किया इलाज प्रॉपर नहीं होगा।
आपको जहां दर्द है वहां दिखाना पड़ेगा। टीम नहीं, मेरे ऊपर वाले पैर में यहां दर्द है, मैं यहां तो दिखाना अच्छा नहीं, डॉक्टर जेंट्स मेल डॉक्टर है, चलो मैं पंजा दिखा दूं तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? सही इलाज हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगी। तो हमें अपनी सारी तकलीफ में कह दे ना, अपनी नहीं, हम तो जिन्होंने लिखी है स्लिप लाके यहाँ रख दीजिए, यहाँ डाल दीजिए, फिर मैं इनको हिला दूंगी। चलो मेरा बैग खाली कर दो, वैसे खाली ही है तो उसमें आप हिला देंगे डाल के। हाँ सब अपने अपने फोल्ड करके यहाँ डाल दीजिए। मैंने पहले ही बोला था नाम नहीं लिखी है। हाँ ये डब्बा इसमें ले लीजिए सारे। हाँ पहले भाई इसमें फोल्ड कर सब दे दीजिए। जेंट्स तरफ से सब लोग अपने अपने जिन पर नहीं है पेन पेज ले लीजिए। इसमें आप सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तो इसका लाभ मिलेगा। हाँ चलो जितनी आई उसमें एक स्लिप निकाल लें और एक जन बोर्ड पेन आ गया बोर्ड पर लिखे। कौन लिखेगा बोर्ड पर? सचिन लिखेगा। है सचिन जी कहाँ है बुलाइए। चलो एक स्लिप आई, एक स्लिप दे दीजिए यहाँ दे दीजिए, और स्लिप ला रहे जब तक एक स्लिप दे दीजिए, लिखना शुरू करते हैं। हाँ ठीक है यहाँ रख दीजिए स्लिप, उठा उठा के और लेते आइए, जितनी आई उतनी रख दीजिए। हाँ लीजिए बोर्ड ऑन करना है, जिन्होंने नहीं लिखे वो भी लिख दीजिए। हाँ चलिए अब इसमें बच्चे नहीं है तो बच्चों के दुख भी हमें लिखने पड़ेंगे। तो जो मम्मियां हैं तो उनके बच्चों को क्या दुख है, तो कुछ मम्मियां अपने बच्चों के दुख लिखते हैं, बच्चों से क्या प्रॉब्लम है। हमें जीवन की लाइफ की सारी प्रॉब्लम लिखनी है। बच्चे हैं तो माँ बाप से क्या प्रॉब्लम है, फ्रेंड से क्या प्रॉब्लम है, लवर से क्या प्रॉब्लम है, हस्बैंड से क्या प्रॉब्लम है, वाइफ से क्या प्रॉब्लम है, पूरा हो गया सारे ले जाओ। अभी डिटेल ले ले, अब मेरे को बोलते जाओ क्या है। हां ठीक है, एक ही प्रॉब्लम है इसमें और भी इससे चार पांच है ना। एक ही नहीं, एक ही पॉइंट है। हां ये सब ठीक लगता है लेकिन अकेला ठीक है। हां तो क्या पॉइंट है, क्या लिखना है बोलिए। अकेलापन, अकेलापन सेकंड सेकंड पॉइंट क्या है बताएं इसमें शामिल। बड़ा लिखूं? हां हां अकेलापन। हां हां सब लोगों को पेज पेन इनके पास नहीं, लिखना चाहते ले लीजिए, शेयर कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है बताइए। हैं गुस्सा, गुस्सा ठीक है। तीसरा अविनाश मेरे को ऐड करना है। हां मेरे को एक ऐड करना है। हां ले लीजिए आप, पीछे लिख के भेज दीजिए। लीजिए अच्छा लीजिए, बच्चों का देना ये रजिस्टर हो गया, बच्चों का दुख लिख के भेजिए, बच्चों का भविष्य। हां ठीक है। अब जैसे क्रोध है गुस्सा के साथ मान भूत का, हाँ और गुस्सा के साथ कुछ ऐसी चीज है जो उसमें शामिल होती है तो वजह। हाँ उधर दे दीजिए, उधर मुझे पास देखिए। विचार करिए ये सारे जो हमारे दुख आ रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं हमारी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, पहले कहते हाथ सिर में दर्द शुरू हुआ, फिर पैर में हुआ, इधर हुआ, फिर डॉक्टर सब बातें शांति से सुनता है। अभी सबके दुख सुन रहे हैं हम शांति से, ठीक है हमें जानना है, पर उसकी क्या एक कॉमन दवाई है? पर इस चाहिए जो हमें दर्द हो रहा है तो हम दर्द की दवाई दें कि जो दर्द है एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक दर्द की दवाई नहीं है। डॉक्टर सबसे पहले आपको तेज दर्द हो रहा है और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा तो पहले पेन किलर देता है दर्द से बचने के लिए, फिर तेज फीवर आया तो फीवर उतारने की दवाई देता है। क्यों? क्योंकि फीवर नहीं उतरेगा तो दूसरी माथे की नसें फट जाएंगी, ज्यादा बढ़ गया तो गुस्सा है फीवर, ठीक है तो उसे एक गुस्से की दवाई भी देनी पड़ती है, एक पेन किलर देना, पर पेन किलर देता रहे फीवर का दवाई देता रहे ठीक हो जाएगा मरीज? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक है प्रॉपर दवाई पर वो तुरंत इमीडिएट असर नहीं करती है। तो तुरंत तो बॉडी दर्द हो रहा है, बदन टूटे ना तो उसके लिए इमीडिएट रिलैक्स मिले आपको उसकी दवाई देता है, परमानेंट इलाज उसकी दवाई देता है। तो दो तरह के इलाज इधर भी होंगे, इमीडिएट और परमानेंट, ठीक है। हाँ अब प्रतिक्रिया जो कॉमन उन पर हटा देना, जो अलग अलग कर लेना है। हाँ। वो हम लोग कॉमन देख ही नहीं रहे। हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। अब देखिए हमें कितनी तरह से दुख लिखने हैं, बच्चों की दृष्टि से,
युवाओं की दृष्टि से, वृद्धों की दृष्टि से, अवस्था का दुख, बीमारी का दुख। सारे दुख और पिछले देखते जाइए आप। अब हमारे देखिए चार आज का हमारे पूरी स्लाइड में क्या क्या हम समझेंगे। देखिए हमारे दो सेशन रखेंगे, बीच में हम आपको 5-10 मिनट का रैप भी देंगे, कि लंबा सेशन रहेगा। तो पहला सेशन है जिसमें हम जाने दुखी कौन है, दुख क्यों है, चार प्रकार की इच्छा और फिर उसका निष्कर्ष, ये जो दुख है उसका मूल कारण क्या है। कि डॉक्टर जो है पहले देखना चाहते हैं कि आपका मूल रीजन क्या है, जो आपको तकलीफ हो रही है। पेशेंट कुछ भी बोले, वो बोलता है मेरे सिर में दर्द है, मेरा पेट में दर्द है, यहाँ दर्द ही नहीं है, और डॉक्टर ने इलाज देता है उसका। हमारे पैर में पंजे में दर्द होता है, घुटने से ऊपर घुटने में दर्द नहीं है, जहाँ तकलीफ डेवलप हो रही है कई बार ऐसा होता है वहाँ दर्द बिल्कुल नहीं होता है, आजू बाजू चारों तरफ दर्द होता है और डॉक्टर उधर का इलाज करते हैं, वहाँ तकलीफ ही नहीं है। बोले नहीं, वो जगह है वहाँ पे आपको तकलीफ डेवलप हो रही है, उससे वो चारों तरफ उसका इफेक्ट जा रहा है। सारे कवर इसमें आ गए हैं, सारी पर्चियां देख ली हैं। हाँ, सारी देख ली। अच्छा, सब लोग पढ़ लीजिए, आपके दुख इस पे आ गए हैं क्या, कुछ किसी का बचा है, अरे किसी के पड़ोसी का बचा हो। सारे दुख आ गए हैं, इन्होंने अपने हिसाब से उसमें दिया बोर्ड। तो देखिए हम इन दुखों को दो रूप में, इनको थोड़ा सा ऐसा रहे बोर्ड मुझे भी देखे, इन दुखों को हम घूम सकते हैं क्या, नहीं पीछे माइक में घूम नहीं सकते। हाँ नहीं, मेरे को देखना है कि हमारे हैं अकेलापन है, गुस्सा है, कसाएं है, बच्चों का भविष्य है, भूतकाल में रहना है, भूतकाल में रहना स्मृति है, शारीरिक दर्द है, परिवार का है, अभिलाषा इच्छा है, मानसिक है स्थिति है, इस्तेमाल होना और अज्ञान। हाँ ठीक है, नहीं देखिए दुख अज्ञान दुख नहीं है, आपने रीजन बता दिया। देखो हमारी समस्या क्या है, जब हम थोड़े से होशियार होते हैं ना, हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। आप देखना 99% जनरल लोग जाके क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता आपके हमारे इंडिया में, तो मानो क्या जाके बोलते हैं, मुझे एसिडिटी हो गई, मेरा बीपी हाई है। अरे एसिडिटी है आपको नहीं, वो मैं बताऊंगी, आप बताओ आपको तकलीफ क्या है। एसिडिटी बीमारी का नाम है, बीमारी का नाम डॉक्टर बताएगा, आप तकलीफ बताओ। अज्ञान बीमारी, आप तो तकलीफ बताओ आपको तकलीफ क्या हो रही है, अज्ञान लिखा तो बीमारी नहीं है, तो ये टक कर दो। अब जिन्होंने लिखा है वो अपनी तकलीफ बताएं। अभिलाषा, तो अभिलाषा आपकी बीमारी नहीं है, आपको उसे तकलीफ क्या है तकलीफ बताइए। तो मैंने बहुत चाहा, आप अज्ञान में विख्यात नहीं ले सकते। नहीं नहीं कुछ, आप अपने दुख बताइए, आपको दुख क्या है, सिर्फ पेन बताइए, पेन कहाँ हो रहा है आपको, वही तो दुख। अभी देखो अभी आप जो भोग रहे हो, नहीं आप जैसे बोले कि मेरे बच्चा तो मैंने मना किया, खाना नहीं खाता इसलिए मैं दुखी हूँ, आप अपना दुख बताइए, आपको किस कारण से दुख है। मेरे हस्बैंड डेली डबल रोल बिस्तर पर डाल देते हैं, नहीं समझते हैं तो मैं दुखी हूँ। आप अपने किन चीजों से आपको तकलीफ हो रही है वो बताना है, ये चीज नहीं भूतकाल में रहना, नहीं किसी ने अपने दुख नहीं बताया, सब अपने आपको समय, अरे आप अब दुख क्या है ये भी नहीं समझ रहे हैं। जैसे बच्चा कहता है मेरी मम्मी मुझे बहुत, हाँ बच्चे आ जाओ, बच्चे आ गए, आप बच्चों का काम है मेरे पास। तो जैसे कि मैं ये बोले कि मैं एक लड़की से लव करती हूँ और मेरे पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करते, कह रहे आप उसके पास नहीं जाओ, तो मैं अपने मेरे को ये दुख है, समझ रहे हैं मेरी बात, मैं दुख चाहे थे आपको दुख क्या हो रहा है, भूतकाल में रहे बच्चों का भविष्य नहीं, कि उनका भविष्य कैसा बनेगा उसका दुख, कुटुंब परिवार, परिवार का, परिवार में मेल, परिवार का क्या दुख है आपको, परिवार में आपके बच्ची की शादी नहीं हो रही है, ये दुख है, सिर्फ ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेंगे, इस पे सिर्फ बताने हैं, वो बच्चों का भविष्य है। हाँ वो सही है, बच्चों नहीं, जैसे ये कुटुंब, कुटुंब में दुख क्या है, बच्चों के भविष्य की फिक्र, वो तो आ गया बच्चों का भविष्य, दो चीज है कुटुंब आया छठा नंबर। अच्छा कुटुंब में लिखा है, कुटुंब में फैमिली, फैमिली फैमिली का मतलब क्या, कि फैमिली साथ में रहती नहीं है, फैमिली है नहीं है, बेटी की शादी नहीं हुई है, शादी हो गई तलाक हो गया, कुटुंब में तो बहुत सारी तकलीफें हैं ना,
चल मतलब आप समझ रहे हो, अभी हम अपने दुखों से भी परिचित नहीं है या थोड़े से ओपन नहीं हुए हैं। अरे बच्चे हो तो मैं दुख है कि नहीं, कुछ तकलीफ है कि नहीं है, क्या तकलीफ है बताओ, खड़े माइक दो इनको। चलो बच्चों से पूछते हैं, तुम्हारा भी नंबर आने वाला है बेटा। हाँ देखो अब आप देखो बच्चे फ्री होते बिंदास होते बता देते हैं, हमें अपना दुख नहीं पता है तो हम रास्ता कैसे खोजेंगे। मम्मी डांटती है तो दुख होता है, स्कूल में होमवर्क ज्यादा मिलता है दुख होता है, टीचर करते हैं किस चीज में बुरा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, तुम सोचते रहो तुम्हें ही बोलना है क्या चीज। अच्छा तुम बोलो ना पहले। स्कूल में बैड ग्रेडर, हाँ मतलब स्कूल हमारे क्लास में नंबर का माना, ग्रेड बराबर नहीं आए तो उसमें अच्छा नहीं लगता है। और मम्मी डांटती है तो अच्छा नहीं लगता है, देखो हाँ ठीक है चलो और आप बोलो ये। हाँ दे दो माइक दे दो उसको। अब आपको समझ में आया कि कैसे बोलना है, तो अपने नाम से नहीं बोलना तो अपने फ्रेंड के नाम से बोल सकते हो, मैं कह दिया ना अपने पड़ोसी के फ्रेंड किसी भी नाम से बोला। पापा डांटते जाओ और आपको मन ने किसी चीज को चाहिए मम्मी ने नहीं दिलाई और पापा ने मना कर दिया, ऐसी बहुत सारी चीज इसलिए ना जब आपको अच्छा नहीं लगता और सोचते हो मैं बड़ा हूँ कैसे कैसे जाते हैं। बोलो बोलो तुम बोलो। अब आपने और सबको समझ में आया, होमवर्क करना पसंद नहीं है बोलो, वो भी दुखी है। नहीं हरे पत्ते को अच्छा लगता है। अब आपको समझ में आया कैसे हमें बताने हैं, ये जो आए हैं तो दुख नहीं आए हैं, प्रदीप भाई का दुख। नहीं ये अज्ञान का दुख नहीं, नहीं ये हमें दुख कैसे बताने, आपको हमें बीमारी नहीं बतानी है, बीमारी का नाम नहीं बताना, हम डॉक्टर के पास जाए मेरे को एसिडिटी है मेरे तो बीपी हाई है, आप तो अपनी तकलीफ बताओ तो मेरे चक्कर आते हैं, अब बीपी हाई है या लो है वो डॉक्टर बताएगा, आप तकलीफ बताओ तो मेरे गले में जलन है पेट में जलन है और मैं या यहाँ तो मैं कहती हूँ नहीं मैं बीमारी का नाम बताती हूँ कि मेरे को मैं बोल रही हूँ डॉक्टर मेरे को यहाँ कंधे में दर्द है मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस, आप समझ रहे उस बीमारी का नाम हमें पता है और हम सीधे बीमारी का नाम बता रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रचन सुन सुन के धर्म सुन सुन इतने सालों से हमें वो चीजें बोल रहे हैं अपने तकलीफ नहीं बता रहे हैं, अथवा सामूहिक नहीं, हम सब बड़े हैं ना तो सबके सामने सामूहिक नहीं हो पा रहे हैं, ये अपने दर्दों को सबके सामने बताएं। चलो अपने दर्दों को हाँ आपको बताइए, नुपुर जी को दीजिए माइक, माइक नहीं अपना ये सब रिकॉर्ड हो रहा ना जा रहा है ना। मैं बच्चों के हिसाब से सोच रही थी, जैसे अभी सुबह आ रहे थे आज यहाँ पे तो बच्चों को पुश करना पड़ता है ज्ञान की बातें सुनने आने के लिए, तो उनकी तरफ से वो दुख है कि मम्मी पापा पुश कर रहे हैं, तो वो शायद अभी अज्ञानी है या समझते नहीं है तो उनको पता नहीं उनके लिए क्या गलत क्या सही है, तो वो एक हम लोगों को भी दुख हो जाता है कि उनको जबरदस्ती लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो बच्चों का दुख मम्मी पापा जबरदस्ती करते हैं और मम्मी का दुख बच्चे कहना नहीं मानते, समझ में आया दुख क्या हुआ, अब अज्ञान ज्ञान दुख नहीं है, बच्चों का दुख ये है कि मम्मी पापा जबरदस्ती अपनी इच्छाएं हमारे ऊपर ला देते हैं, बड़ों का दुख ये है कि वो समझते नहीं है हम कहते हैं तो भी मानते नहीं, ये दुख है दुख के प्रकार है, समझ में आया। हाँ बैठिए, तो हमारे दुख कितने प्रकार जो सारे जो दुख हैं, इस पर कुछ दुख है पैसों से संबंधित, कुछ दुख है प्यार से संबंधित, कुछ दुख है बीमारी से संबंधित, कुछ दुख होते अवस्था से संबंधित और कुछ दुख होते टेंशन से संबंधित, अने सारे दुख हमारे जीवन में जितने आते हैं सुबह से शाम तक में इनको हम पांच श्रेणी में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या, हाँ नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए ठीक है।
इसमें आए दुखी कौन। हाँ तो ये पांच तरह के हमारे जीवन में दुख होते हैं, समझे। अब जो ये दुख है 8, 10, 12, 15 जो भी आएंगे, आप देखिए इसमें समाहित होती नहीं, वो स्लाइड इस पर नहीं था, दूसरे में था, कोई बात नहीं। हाँ, जिनके पास पैसा नहीं है, तो यदि पांच तरह के दुख है तो दुखी कौन हुआ? तो जिनके पास पैसा नहीं है वो दुखी हुआ। यदि पैसे का दुख है तो जिनके पास पैसा नहीं, प्यार का दुख तो जिनके कोई प्यार करने वाला नहीं, जो बीमार है, जो बुढ़े हैं, ठीक है ना, अवस्था का दुख, बीमारी का दुख और टेंशन का, क्लियर हुआ। अब हम एक एक पर विचार कर देंगे। अब इसने कहा पैसे का दुख है, तो पैसे का दुख है, जिसके पास पैसा है वो दुखी, पैसे का दुख का मतलब क्या, ये समझना है ना हमें। तो जिनके पास बहुत पैसा है वो दुखी है, जिनके पास कम पैसा है वो दुखी है, अथवा जिनके पास पैसा नहीं है वो दुखी है। तो पैसे के दुख में आप किसे मानती हो? फिर माइक देना सबको, अब सबको अपने अपने जवाब देने हैं। तो बहुत पैसे वाला दुखी है, कम पैसे वाला दुखी है, या जिनके पास पैसा नहीं है वो दुखी है? आपके दिमाग में क्या है? पैसे का दुख बताया है, आर्थिक जो भी बताया है, जो है। तो किसे दुखी मानते हैं हम? हाँ, हमने तीन, मैंने आपको तीन ऑप्शन दिए है, नया आंसर नहीं चाहिए, तीन ऑप्शन दिए, तो ध्यान से सुनो, ध्यान नहीं था। रेखाबंदी आई क्या? हाँ, रेखाबंद बैठी है ना, कल बता रही थी ना, होमलेस। तो जिनके पास पैसे नहीं है आपके दिमाग में आ रहा है वो होमलेस है, ठीक है, इसलिए आपको लग रहा है तीनों दुखी हैं, ठीक है। तो अब देखिए, हमें तो आप भाई 90 मिनट में सेशन पूरा नहीं हो रहा, आपको कल भी 90 मिनट फिर से देने पड़ेंगे। हमारे इंडिया में तो बच्चे फटाक से जवाब देते हैं, बड़े भी देते हैं, बहुत जल्दी सेशन पूरा हो जाता है, ठीक है। चलो, जब जितना टाइम लगेगा हम देंगे इसको। या फिर हमने देखा पैसे का दुख है, तो उनका पैसे का दुख है मतलब कि हमारे पास कम पैसा है, या तो कम पैसे में दुख हो रहा है, अधिक पैसे में दुख हो रहा है, दोनों में दुख नहीं हो सकता है, समझ रहे। और पैसा नहीं है में नहीं हो रहा, तो आपने कहा तीनों में दुख है, तो फिर तो आप कहाँ जाएंगे? पैसा कमाने की ओर बढ़ेंगे? यदि आपने तीनों में दुख मान लिया तो कहाँ बढ़ेंगे? पैसा कमाने की ओर, पैसा छोड़ने की ओर, कि कम पैसे की ओर, अधिक पैसे की ओर? देखो, आप मन में तो मान रहे हैं कि अधिक पैसा अधिक सुख बोल रहे हैं, ये हमारा क्या है कि सबके सामने हम क्या बोले, ये संकोच हमारा, वो हमको रोक रहा है, समझ रहे। कि पता नहीं बहन जी किस दृष्टि से क्या पूछ रही है, धर्म की दृष्टि, इस सिंपल सा जो लॉजिक में हम चाहे थे उसकी दृष्टि से प्रश्न है। अब हमने चले मान लीजिए कल्पना की कि जिसके पास अधिक पैसे है वो सुखी, तो इसका मतलब ये हुआ कि कम पैसे वाला दुखी, अधिक पैसे वाला सुखी, तो कम पैसे वाला कम सुखी, और जिसके पास पैसे नहीं है वो बिल्कुल सुखी नहीं, वो दुखी। इस तरह से आएगा, जिसके पास पैसे नहीं वो बिल्कुल बहुत दुखी, जिसके पास कम पैसे वो कम सुखी, जिसके पास ज्यादा पैसे वो ज्यादा सुखी। यदि पैसे में हमने सुख माना तो है या नहीं, इसी चर्चा हम बाद में करेंगे, सही है कि नहीं ये बात। अब हम इस पर विचार करते हैं, बात सही है या नहीं। एक तो पैसे का हो रहा है, तो इसमें आई चर्चा। तो यदि हमने कहा कि हाँ, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हमें पैसे कमाने हैं, हमने मन में मान रखा है कि जिसके पास बहुत पैसे हैं वो बहुत सुखी है, आपकी जो लाइफ है ना, जो आप यहाँ पे प्रचन सुनने नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, रीजन बताइए आप मुझे। जॉब, जॉब किस लिए है? तो छुट्टी मिल सकती है कि नहीं? छुट्टी लेने तो क्या हो रहा, अधिक से अधिक पैसे कटे। तो आपने ये तो आप ये प्रचन सुनने में अपने आप को सुखी होना मान रहे हैं, कि जॉब करने में सुखी होना मान रहे हैं? प्रायोरिटी आपने किसको दी? वो आप जैसे पोस्ट का सवाल का जवाब नहीं पूछ रही आपको, आप तो यहाँ पे बैठे हैं ना, तो आपने किसके लिए प्रायोरिटी, आपने निर्णय लेंगे, आज सैटरडे संडे बात कर रहे, बाकी मंडे से फ्राइडे आप डिसीजन लेंगे क्या करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये सोचा है कि पैसा मिलेगी तो हम सुखी होंगी, हम सब ने अंदर में ही मान रखा है, पर सामूहिक तौर पे हमें स्वीकार नहीं करना चाहते।
अब कितने पैसे आपको मिल जाने तब सुखी हो जाएंगे, आपके पास पैसे नहीं ऐसी बात तो नहीं है। और सब अपने पैसों का वो करना कि आप सब अपने अपने बंडलों में रहते हैं ना, और बंडला के प्राइस आप बता देंगे, पूछूं मैं नहीं बताएंगे, सब करोड़ों से कम तो होगी नहीं। पूरे सीसी का छोटे से छोटा बंडला मिनिमम, अच्छा ये बताइए छोटे से छोटा बंडला लेना चाहे यहाँ तो कितने में मिलेगा, बड़े की तो बात जान लीजिए, मिनिमम लेना चाहे तो मिनिमम वाले तो आप हो रहे ना, पहले जमाने में जिसे लखपति बोलते थे आजकल उसे करोड़पति बोलते हैं, जो मिस्त्री तो करोड़पति तो सब है ना, तो जो करोड़पति है तो वो अरबपति बनना चाहता है। तो अब हम देखते चलो हम जो अरबपति है वो सुखी है उसके ऊपर जाए, हम ऐसे उस रस्ते पे चले जाए अरबपति बन जाए फिर हमें सुख मिले ना मिले, तो जो अरबपति है वो सुखी है कि नहीं उस पर विचार कर लो। तो अरबपति निर्भय दौड़ा आप किस जैसा बनना चाहते हैं, और वो ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में है या नहीं है तो वो सुखी है क्या उसकी लाइफ में झांको। आजकल तो बायोग्राफी आ जाती है ना, तो हम उसकी लाइफ में झांक सकते हैं। तो आपको क्या बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, उनके क्या सुख है वो देखो, क्या समझ में आ रहा है देखो। तो वो अरबपति आपको और आपको वैसा सुख चाहिए क्या? तो हमने तो पुस्तकों में पढ़ा है हिस्ट्री ज्योग्राफी में, जो महलों में रहता है वो सोचता है, एक कविता थी जो गरीब का बच्चा था शायद हरिवंश राय बच्चन जी वही हुई कि मैं तो वही खिलौना लूंगा मचल गया दीना का लाल रूठ जा, दीना का ना गरीब का बच्चा। तो अमीर के बच्चे झोंपड़ी में जाके झोंपड़ी का सुख देखना चाहते कैसा है, और गरीब के बच्चे महलों में जाके महलों का सुख देखना चाहते। आप तो है देखते हैं ना, तो इंडिया वाले सोचते हैं अमेरिका में सब सुखी है, अमेरिका वाले सोचते हैं कि इंडिया में बहुत सुखी है, तो अमेरिकन इंडिया में जाते हैं क्योंकि यहाँ धर्म नहीं है तो धर्म भी चाहे नहीं, और इंडियंस यहाँ आते हैं, बताइए आपको है ना। तो इसका मतलब जो अरबपति है जैसे भी है, तो ये किसी का मैंने पढ़ा था नाम आप बता देंगे कि उसने बहुत अरब संपत्ति ली, अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं दी और सबको संस्थाओं को दान कर दिया, बिल गेट्स, मैं ना नाम आप बता देंगे। तो हम कमा रहे, हमें अपने लिए टाइम नहीं, किसके लिए हम दान कर दें, तो इतना कमाते क्यों हो भाई। तो इसका मतलब हम वो पोजीशन में भी पहुंच जाएंगे तो हम सुखी नहीं हो रहे हैं। तो जिसके पास कम पैसा तो है हम तो भी दुखी है, अधिक पैसा है तो भी दुखी है। अब जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास जाते हैं, पर आपकी निर्णय जाती है होमलेस ट्योर, इसलिए आप बोलते हैं जिनके पास पैसा नहीं है वे भी दुखी हैं, पर मेरी निर्णय जाती है मुनिराजों की ओर, जिन्हें पैसे भी चाहे नहीं है, जिनके पास पैसा था जिन्होंने छोड़ दिया। हमारे जो मुनिरा भरतव थे तो मुनिराज बने तो रोडपति थे क्या, होमलेस थे क्या, इसलिए वो मुनिराज बन गए। वो महलों में रहते थे, उस महलों में उन्हें सुखी अनुभूति नहीं और वो छोड़कर मुनिराज बनी, तो मुनिराज के पास कितना पैसा है, अब वो सुखी है या दुखी है? बहुत सुखी है। तो इसका मतलब है पैसे में सुख नहीं है। और अब हमारी 24 घंटे जो लगे हुए थे जिस दिनचर्या का मैंने वर्णन किया था, उससे पैसे प्राप्ति या तो शरीर के लिए है या पैसे प्राप्ति के लिए, तो 8 घंटे या 10 घंटे सोने में रहे और वो 8 और 10 घंटे हमारे पैसे प्राप्ति में चले रहे, तो 20 घंटे रहे वो पैसे भोड़ने के लिए टाइम नहीं है, 4 घंटे तो मिले, तो इतना दिन रात मेहनत करते हो पैसे भोड़ नहीं पाते, कमाओ इतना कमाओ कि आप परेशान ना हो, पर उस अंधी दौड़ में शामिल नहीं तो बाद में दान करना पड़े। आपने तो अपना लाइफ पूरा वेस्ट कर दिया, तो पैसे का जो सुख था जिनके पास पैसा नहीं है तो उनके पास तो हमने देखा नहीं है, तो जिनके पास पैसा होता है तो दूसरा बोलता है हाँ तुम्हारे पास पैसे वाला तो कहता है मेरे पास भरपूर पैसा है, दुनिया की सब वस्तुएं मैं खरीद सकता हूँ। पैसे वाले होते तो अहम होता है, बिल्डर्स बोलते ना कि बताओ जहां तुम उंगली रखोगे मैं उस चीज को खरीद लूंगा, तो हमारे में एक ईर्ष्या भी है, जब सामने वाले पे अहम होता है कि मेरे पास पैसा है मैं सुखी हूं, सामने वाला तुरंत कहता है माना तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम सुखी नहीं हो, क्यों कि तुम्हारे पास प्यार नहीं है, प्यार करने वाले पर्सन नहीं है, तो तुमसे ज्यादा सुखी तो
भले हमारे पास पैसा कम है पर मेरे पास घर में माँ है, मेरे पिताजी हैं, भाई बहन हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, तो प्यार करने वाले पर्सन है। तो जिनके पास कोई प्यार करने वाला नहीं है वो दुखी, इसका मतलब जिनके पास प्यार करने वाले हैं वो सुखी। अब हमें दूसरी बात यह है कि जिनके पास प्यार करने वाले हैं वो सुखी, जिनको प्यार करने वाले हैं वो सुखी, दो तरफ से। मैं किसी को प्यार करूं और कोई मुझे प्यार करे, तो प्यार करना सुख का कारण है कि प्यार कोई हमें करे वो सुख का कारण है। दान देना वाला सुखी कि दान लेने वाला सुखी पैसों में, ऐसे प्यार में प्यार करने वाला सुखी कि प्यार करवाने वाला सुखी, दोनों सही की हो रहा। चलो मान लो दोनों ही प्यार में करूं भी और कोई दूसरा मुझे प्यार भी करे, तो सबको सारी अनुकूलता मिलती है क्या और सब समय मिलती है क्या? तो जो ही उसने कहा कि नहीं मेरे पास पैसा भी है, दूसरे व्यक्ति ने एक बार बात उठाई, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास प्यार करने वाले भी क्या, कि मेरे पास माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, और सब अनुकूल है, कोई प्रतिकूल नहीं है, जैसी जहां की लाइफ है उसके साथ एकदम बढ़िया सेट है माहौल। तीसरा व्यक्ति फिर धीरे से आके आपको पिंच करता है, वो कहता है मैं तो सुखी हूँ। अब आप अपने दुख नहीं बता रहे थे ना, आप कहाँ कहाँ सुख मान के बैठे हो देख लेना। उनका नहीं मैं तो सुखी हूँ, मेरे पास भरपूर पैसा है, पूरा कुटुंब परिवार सारी चीजें हैं, कोई अकेलापन नहीं है, कुछ नहीं है, आप अकेले हो इसलिए दुखी। तीसरा व्यक्ति आके बोलता है बहन जी आपके पास पैसा है, प्यार करने वाले हैं, लेकिन आप तो सदा बीमार रहती हो, आप कहां से सुखी हो? मैं स्वस्थ हूँ, भले मेरे पास पैसा नहीं है, भले मेरे पास पर्सन नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, 90 ईयर में भी चलती हूँ, दौड़ती हूँ, अपने ऊपर डिपेंडेंट, किसी ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, सुखी तो मैं, बीमारी तो अपने आप में दुख है, बीमारी का दुख तो लिखा ही। तो जो हमें दूसरे के सुख सुहाते नहीं है ना, ईसालू है ना, उसने कह दिया। अब ये बताइए कि हाँ भाई जो बीमार है तो बीमारी है, तो जिसके पास उठा तो मैं बीमार नहीं हूँ, तो जो बीमार व्यक्ति है तो उसकी कोई सेवा करे वो सुखी, बोलता था मैं भी सुखी हूँ, कैसे कि मेरे को मेरे बेटे बिल्कुल पूरा ध्यान रखते हैं। तो बीमारी होना सुख का कारण है कि तो बीमार है, सेवा करवाना सुख का कारण है, सेवा करना है सेवा करवाना। हम बीमार होने तो बच्चे सेवा कर देंगे, परिवार तो परिवार का सुख क्या है कि हम बीमार पड़े तकलीफ में आए तो वो हमें हेल्प के लिए खड़े हो जाए। तो सेवा करवाने वाला सुखी है ना, सेवा करने वाला सुखी है, चारों तरफ से विचार करना पड़ेगा ना। तो अब जो बीमार है वो तो सुखी कहाँ हो सकता है, बीमारी अपने आप में दुख है, तो जो बीमारी की सेवा करता है वो सुखी होता है क्या? ये तो आपको पता ही है, बीमारी की सेवा करने वाले जितने सुखी होते मैं क्या बताऊं। तो बीमारी ना अपने आप में सुख है, ना बीमारों की सेवा करने में सुख है। तो जो सारे मेरे अनुकूल है, घर है, कुटुंब है, परिवार है, किस लिए है? उनके साथ रहकर आपको कैसा सुख मिल गया? और अकेलेपन का आपको दुख क्यों है? आपने जो अकेले हैं वो तो बहुत ज्यादा सुखी होने चाहिए, आपने अकेलेपन में दुख क्यों मान लिया? क्यों? कि यदि हम साथ में हैं, तो इंडिया में क्या ज्वाइंट परिवार होती है, सास बहू सब रहती है साथ में, तो जो ज्वाइंट में रहते हैं उन्हें लगता है अकेले रहे तो बहुत बढ़िया है, जो अकेले रहते वो सोचते हैं ज्वाइंट में रहे तो बहुत बढ़िया है। क्यों? तुमने कहा कि मुझे घूमने जाना है, ठीक चलो कभी भी चल सकते हैं, बच्चे सासू जी संभाल लेंगे, हस्बैंड का खाना पीना सासू जी है ना, बच्चे ससुर जी देख लेंगे, और स्कूल छोड़े आगे देवरानी जी टानी, और घर बंद करना पड़े, क्यों बंद करें? हमारा तो घर 24 घंटे खुला है, तुम जिस समय रहो मुँह उठा के आ जाएंगे, हमें पूरी तैयारी नहीं करनी, एक सूटे तैयार रहता है। बोली मैं तो अकेली हूँ, मुझे तो पहले 4 दिन पहले से तैयारी करनी, बच्चों की व्यवस्था करनी, नहीं बच्चों का स्कूल है तो नहीं जा सकते, हस्बैंड का ऑफिस है तो नहीं जा सकते, बहुत टेंशन। फिर मूवी देखने रहे तो कि नहीं अभी आज सासू जी बीमार में नहीं जा सकती, तो हम बहुत मजे में है, हमें किसी को देखना ही नहीं है कि सासू जी बीमार है, टिफन नहीं है, हमारा तो जब हुआ मूवी देख लेते। अब मूवी देखना में सुख है, ढूंढने जाने में सुख, अब कौन सा सुख चाहिए? जो जहाँ है वहाँ दुखी महसूस करता है और दूसरे सुखी रहता है, इसे बोलते दूर के ढोल सुहावने। दूर से चीजें देखो तो बहुत सुंदर थी, हर चीज की फोटोग्राफी देखो कितनी सुंदर है, पास में जाके देखो तो आपको कैसे लगती है, यार ये तो कुछ नहीं निकला, फोटो में बहुत अच्छी था, जयपुर में हवा महल है,
आप सोच रहे चलो हम हवा महल देख लेंगे, कितना टाइम लगेगा उसकी फोटो आप देखेंगे, है क्या ये दीवार है उसमें विंडो ही विंडो है हवा महल हो गया ना, एक दीवार बनी हुई है उसमें बहुत विंडो सेफ है, ऐसी सेफ है विंडो की और सब में होल होल है घूमने में ऐसे सुख होते हैं आप जब ट्रिप कराते हैं दूर से देख लिया तो इसलिए कहते हैं दूर से जो दूर से दिखाई देती है ना चीजें दूर का भी और पास का भी में बहुत फर्क होता है। अब जो बीमारी आई हमारी तो बीमारी में भी दुख इन दो एक हमारी जो बीमारी है बीमारी से दुख होता है क्या और भी दुख है कौन सा आया जो बुढ़ा हाँ अवस्था का दुख जिसमें बुढ़े लिखे उसे अवस्था का दुख में लिया हमने तो अवस्थाएं हमारी तीन होती है कौन सी बाल अवस्था वृद्ध अवस्था और युवा अवस्था जानबूझकर बाल और वृद्ध मैंने साथ में लिया युवा को छोड़ा है क्योंकि बाल अवस्था को हम दुखी मानते हैं वृद्ध अवस्था को दुखी मानते हैं तो युवा अवस्था में सुखी हम महसूस करते हैं हमारे जो दुख है बीमारी को हमने दुख माना तो स्वस्थ होने को सुखी माना अब स्वस्थ हमने कम पैसे को दुख माना तो अधिक पैसे को स्वस्थ तो स्वस्थ वाला भी सुखी है कि नहीं तो बालपना अगर वृद्धावस्था दुख है तो युवावस्था को सुखी माना है अरे कुछ दुखों को हमने सुख मान लिया और कुछ दुखों को दुख माना है तो दुखों में दो डिवाइड कर लिए तो जिनको दुख मानते हैं उनकी चर्चा करने की मुझे जरूरत नहीं है उन्हें तो सभी दुख मानना है पर जिन दुखों को हमने सुख मान लिया है उनकी चर्चा करने की जरूरत है कि वो वास्तव में दुख है सुख नहीं है ठीक है अब तीन प्रकार के दुख हम अवस्था की अपेक्षा विचार करना एक ही व्यक्ति की सामने विचार किया तो बाल अवस्था में तो कोई सुख मानता नहीं है पर जब बड़े हो जाते हैं ना तो कभी तो जरूर कहते हैं कैसे भूला जा सकता है वह बचपन का अतुलित आनंद खाना खेलना और सो जाना निश्चित होता टेंशन रही लाइफ है बच्चों की तो बच्चों की लाइफ टेंशन रही है क्या उस जमाने में टेंशन रही होती होगी आज नहीं है है ना तो बच्चों के दुख तो समझ में आ रहे और हम देखते हैं बच्चों को भूख लगती है अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं प्यास लग रहे हैं छोटे छोटे बच्चे बोल नहीं सकते बता नहीं पा रहे उनके दुख अलग जो बोल लेते हैं बता देते हैं उनके दुख अलग अब इस सारे दुख आपको पढ़ने हैं तो छह डाला पढ़नी पड़ेगी छह डाला की पहली डाल में सारे दुख बताए हैं चारों रथियों के दुख बताए हैं ठीक है तो अब बच्चों के दुख हैं तो वृद्धावस्था के दुख भी मुझे बताने पड़ेंगे बहन जी अभी आपकी वैसी अवस्था नहीं आई अभी आप तो शुरुआत है आप हमें बताओ रे नाना जी आज नदी हाल की चर्चा करोगे तो आपकी क्या उम्र है हम आपसे 10-10 साल बड़े हैं और जिनकी नहीं आई जाके पैर ना फटी बिभाई वो क्या जाने पीर पर आई तो युवा लोग तो वृद्धावस्था के दुख समझ ही नहीं सकते यदि आपसे कोई इतना कहे कि मेरे प्यास लगी है पानी की बोतल वहां रखिए लाठी यहाँ दे दो तो आप वहां से चल के यहाँ तक आए हो ना चल तो सकते हो ना तो इतना तो चल के उठ नहीं सकते क्या नहीं घुटने में उठने में तकलीफ है तो घर से यहाँ कैसे आ गए मैं ही जानती घर से यहाँ मैं कैसे आ गई तो इतना सा और चल लो तो वो चार कदम चलना उसे भारी है पर युवा नहीं समझ सकते मुझे अनुभव है इसका बताऊ मेरी सासू जी थी तो जयपुर में पंचकल्याणक हुआ करीब कितने साल 28-29 साल पहले की बात है पहला पंचकल्याणक हुआ कितना मेरे फिडर मुझे याद नहीं रहते याद कैसे रह गया ये वाला फिडर क्या कि वो आ रहा था मेरे पेट में था तो 27-28 साल का इसलिए मैं राउंड वो कितने साल का वो भी मुझे पक्का नहीं मालूम उससे 9 महीने पहले समझ तो 29 का होगा तो मैं प्रेगनेंट थी वो हमने जुलूस में गोली ली मैं हमारे सासू जी के लिए तो वो ललितपुर से जयपुर तक आई तो आ तो सकती थी घर से चल के वहां आ तो सकती थी तो हमने कहा वो हाथी है वहां तक हाथी तक चलो बोले मैं इसे नहीं चलती हम यहाँ है हाथी वहां है वहां जाके बैठना बोले अब मैं इसे नहीं चलती वो तो नहीं चलते नहीं बोला मेरी समझ में नहीं आ रहा जो घर से चल के यहाँ तक आ गया अब चार कदम पे हाथी है मैं तो यहाँ बैठी मैं इसे नहीं हाथी को यहाँ बुलाओ हाथी वाला यहाँ देखो तैयार नहीं वो उधर जाने को तैयार नहीं तो मैं हाथी वाले को बुलाने लगी तो जो वहां थे उन्होंने मुझे ही हाथी में बिठा लिया मुझे हाथी में बैठना नहीं था पर उन्होंने मुझे बिठा लिया चलो चलो जुलूस जा रहा है अब मेरी चिंता था
जयपुर में पहली बार आई, बीच सड़क पर कैसे बैठी, और वो मेरी सुंदर तैयार हुई, आपकी बोली है, आपका आया और बिता लिया। अब मैं भी ऐसी स्थिति में नहीं थी, मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं तो दौड़ा भाग कर सकूँ। फिर वो ट्रावल कैसे, उनका क्या हुआ, कैसे घर पहुंची मुझे नहीं पता, वो तो मैं तो जुलूस में पड़ गई। उस समय मुझे उनका दर्द और फीलिंग समझ में नहीं आई। जब मुझे वो तकलीफ आई और लिफ्ट से बाहर निकलने में तकलीफ हुई, तो मुझे याद आया, अरे मैं फ्लैट से नीचे तक तो आ गई, पर जहां मेरा माइंड सेट है, जहां तक चलने की मजबूरी है वहां तक चल लेते हैं, और जहां मुझे लगता है कोई साधन मेरे को आके ले लेगा वहां तक मेरे पैर नहीं चलते हैं। ये माइंड सेट, यदि उन्हें पता चलता हाथी या नहीं आएगा तो पहुंच जाती, और वो सोचे हाथी तो पूरे रास्ते में जा रहे थे, यहां तक आ जाएगा ना, तो जब तक वो हाथी तक पहुंचे हाथी और आ गए, वहां तक और चलना भी पड़ा और हाथी उन्हें मिला। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हमारी पूरी लाइफ माइंडसेट से चलती है, हमें अपने माइंडसेट बदलने पड़े। हम दुखी हैं अपने माइंडसेट के, तो हम दूसरों के दुख, वृद्धावस्था के दुख हम नहीं समझ सकते। एक वो मैंने कहावत बोली थी, मतलब समझ में आया, जाके पैर ना पटी बिबाई। मैं बोल रही था, आप लोग सोच रहे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बिबाई का मतलब जानते हैं, पैर होता है, एड़ी होती है, एड़ी एड़ी फट जाती है, उसको बिबाई बोलते हैं, एड़ी के फटना, आप यहाँ क्या बोलते हैं जो भी जानो। तो ये थोड़ी बहुत फटना नहीं, जब बहुत ज्यादा फटती है यहाँ पर क्रैक डेवलप हो जाते हैं एड़ी में, बहुत ज्यादा सर्दी गर्मी हो तो क्रैक हो जाते हैं, तो थोड़े से मतलब तकलीफ कम होती है, ज्यादा इतने बढ़ जाते हैं कि आप खड़े ऐसे पैर पर वजन रखो तो दर्द होता है, फिर बाद में इतना तकलीफ में बैठे बैठे भी अपने आप दर्द होता है, कैसा लौटता है, लौटना मतलब आपके जीवन में फोड़ा हुआ है कभी, पस पड़ा है, तो जब पस पड़ जाता है तो उसमें जो तकलीफ होती है उसे बोलते हैं लौटना। आप ये भी शब्द का अर्थ बता दो, कौन से शब्द का, लौटना, दर्द होना, पस पड़ने के बाद जो दर्द होता है, दर्द को क्या बोलते हो, उसको, हाँ, वो जो एड़ी में जो दर्द होता है वैसा दर्द होता है, खड़े नहीं रह सकते, बैठ नहीं सकते, निरंतर तीस चलती रहती है। तो कहते जिसके पैर में बिबाई नहीं फटी है वो दूसरे का दर्द पी रहा है, दर्द नहीं समझ सकता है, वो खुद ही जान सकता है जो उस दुख को भोगा हुआ है। तो हम कहते नहीं हमें आपके तकलीफ पता है, लेकिन नहीं, जिसके सिर पे आती है वो जानती है। तो अब दुखों की वृद्धावस्था के दुख तो हो ही रहे, उसकी आगे चर्चा करने की जरूरत नहीं, युवा नहीं समझ सकते हैं, जो उस स्थिति से निकले वो समझ जाएंगे। तो वृद्धावस्था में दुख हैं, अपनी दादी नानी के आपने देखे हैं, नहीं देखे तो टीवी पर देखे होंगे, कहीं ना कहीं तो देख ही लेते हैं, तो वो उनकी दुखों की तक हमें यहाँ नहीं करनी है। अब युवावस्था में तो सुख हैं, अरे युवावस्था में काय के सुख, युवावस्था में भी टेंशन है। देखो दूसरी स्लाइड आई नहीं, इसमें आगे कैसे, आपको ये चलाना है, नहीं, मेरे पास ये है, तो ठीक है। ये सुखी कौन भी है, इसके बाद वाली स्लाइड आई, ये दुख के चार प्रकार की स्लाइड, हाँ, पैसों का ये हमने पढ़ लिया, एक्सप्लेनेटरी आगे नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए, बुढ़ापा और युवावस्था आगे वाले पॉइंट लेने में, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, नेक्स्ट। अब सुखी कौन, पैसे वाला सुखी नहीं, ये चर्चा हमने कर ली, प्यार वाला सुखी नहीं, चर्चा हो रही, जिनके पास बहुत प्यार है कम प्यार है। अच्छा प्यार इनके, इन दुखों को हम डिवाइड करेंगे दो भागों में, है ना, स्वास्थ्य वाला और युवावस्था वाला, युवावस्था की अपनी चर्चा चल रही है, ये वाली, तो युवावस्था वाले भी बोलते हैं कहाँ के हम सुखी हैं, जब तक हमारी शादी नहीं हुई तब तक शादी करने का टेंशन, जब तक जॉब नहीं मिला तब तक जॉब का टेंशन, जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई तब तक पढ़ाई का टेंशन, पहला स्टेप है पढ़ाई, पढ़ाई पूरी हुई दूसरा टेंशन चालू हुआ, तीसरा जॉब का, जॉब मिला तीसरा टेंशन चालू हुआ, तीसरा टेंशन चालू हुआ शादी का, अब शादी हो रही तो टेंशन फ्री हो रहे, अब तो टेंशन की शुरुआत हुई है, तो इतनी मेहनत से शादी क्यों करते हो कि आप गए बाजे बजाए आपस बोल रहा है, तो कहते साधु का लड्डू
कैसा, जो खाए वो पछताए, जो न खाए पछताए। तो युवावस्था के सुख कैसे सुठे समझ में आ गया, नेक्स्ट लाइफ जिसमें आप कह रहे हैं युवा कौन सुठी कौन है, मैं चारों में से सबने देख लिया, चलो आगे वाली चलाई। सुखी कौन है, ये आ गया ना, हमारे पास पैसा है बनला है, ये सुखी है नहीं है, इन्हें भी किसी ना किसी तरह का दुख है। आगे जा रहे हैं, हाँ तो बोलता भाई मेरे पास पैसे कम है लेकिन मेरे पास सब चीजें है, अभी हम प्यार में आ गए। हाँ प्यार में आ गए, पर बोले पर दूसरा बोलता है प्यारे बच्चे हैं पर है ऑफकोर्स सुखियों पर स्वास्थ्य नहीं है। तो जब तक हमारे पास इतना पैसा आता है, देख लो आप अपनी लाइफ देख लो, जब हम आए सब लोग आप यहाँ आए तो आपकी क्या स्थिति थी, जब तक सब कुछ आपके पास हुआ तो स्वास्थ्य चला गया, सब ठीक है, जब चले होती है तब दांत नहीं और जब दांत होते हैं तब चले नहीं, सबकी यही स्थिति रहने वाली है। ठीक है ये वाले स्लाइड हो रही है, नेक्स्ट सुठी कौन, हाँ तब इसका मतलब जिसके पास पैसा हो प्यार हो बीमार नहीं हो स्वस्थ हो, कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है मेरे पास पैसा भी भरपूर है, फिर ने कोई प्रश्न पूछा ने जवाब दे दिया, नहीं नहीं मेरे को टेंशन है होमवर्क मुझे अच्छा लगता है, ऐसे भी एक दो लोग होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो एक के पास ऐसा व्यक्ति है जिसके पास प्यार भरपूर है पैसा भरपूर है स्वास्थ्य भी है, जरूरी नहीं वो बीमार हो, तो वो सुखी है क्या, मैं सुखी हूँ बोल रहा है, अब बताइए जिसके पास ये सारी चीजें वो सुखी है क्या, चारों चीजें हैं तो उसके पास इच्छाओं के और टेंशन, पैसा आया ना पर पैसा को बनाए रखने का टेंशन, जो स्टेज पे जब मैं पहले नंबर पर गिनीज बुक में मेरा पहले नंबर पे नाम आया सबसे बड़ा करोड़पति हूं, तो वो जब मेरे को अपना स्टेटस बना के रखना है उसका टेंशन, कोई मेरे से आगे ना निकल जाए, फिर चोरी डकैती ना हो जाए, किडनैपिंग नहीं हो जाए, तो अरे पैसे वाले हैं तो पैसे वाले का दुख अलग होती है, जैसे ये कहते होते हैं ना बच्चों के सुख होता है जो दुख होता है। एक बार मैंने ऐसे प्रश्न किया तो सभा में से एक लेडी ने जवाब दिया कि छोटे बच्चे छोटा दुख बड़े बच्चे बड़ा दुख, जैनसन छोटे बच्चों की भी तकलीफें हैं, छोटे बच्चे सोचते हैं जो होते हैं कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो सुखी हो जाएगी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो सुखी हो जाएगी, तो मैंने कहा फिर मैं तो परमानेंट दुखी हो गई क्योंकि मेरे बच्चा एक छोटा था एक बड़ा था दोनों में 12 साल का अंतर है, तो सहानुभूति बड़ी थी और आराध्य छोटा था, तो यार आपने कहा छोटे बच्चे छोटा दुख बड़े बच्चे बड़ा दुख, तो मेरे पास तो दोनों बच्चे हैं छोटे और बड़ा, जब आराध्य 5-6 साल का रहा हो रहा वो 18-17-18 साल की, तो दोनों प्रकार से दुखी हो गई, बच्चे हैं तो दुखी, बच्चे ना हो तो एक पिटाएगा दुख, बच्चे हो जाए तो दूसरे पिटाएगा दुख, छोटे हैं तो तीसरे पिटाएगा दुख, 2 साल से छोटे हैं तो एक पिटाएगा दुख, 2 साल से 5 साल तक है तीसरे पिटाएगा दुख, लड़की है तो दुख, लड़का है तो दुख, ना हो तो दुख, आगे कौन संभालेगा, है तो नालायक है बहू के साथ चला जाएगा, लड़की है तो बाप के साथ चली गई, अरे जब लड़का यदि बहू के साथ गया तो लड़की दामाद को लेके आएगी ना, अब क्या करें हमारी तो लड़की भी ना लाए निकली दामाद के साथ चली गई लड़का बहू के साथ चला गया, तो अब आपके पाप का उदय हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है तो जिसके पास सब कुछ है पर कुछ ना कुछ उसके पास टेंशन है, पैसे बनाए रखने का, स्टैंड बनाए रखने का, किडनैप होने का, तो पैसे वाला जो चलो नेक्स्ट लाओ। अब ओल्ड मैन के दुख आ गए, बीमार कोई सुनता नहीं है, डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं और वोट नहीं सकते, पैसा तो सब चीजें हैं हमारे पास, घूमने जाना चाहते हैं घूम नहीं सकते, डिज्नीलैंड जाना देखना बहुत अच्छा है राइड नहीं ले पाएंगे, बाजार में चीजें बहुत अच्छी खाने को मिलती है पर पेट खराब हो जाएगा, वहां जाएंगे तो चलना बहुत पड़ेगा, है पर भोग नहीं सकते हैं, थोड़ी सी देर देखेंगे टीवी तो आंखों में दर्द हो जाएगा, ज्यादा देर बैठ के देखेंगे तो कमर में दर्द हो जाएगा, तो सारी प्रतिकूलता है। आर्य नेक्स्ट बच्चों के दुख,
नहीं बता पाए हैं ये दुख बच्चों के, मम्मी पापा डांटते हैं, रो रहे हैं, कहना मानना पड़ता है, मन पसंद की चीज नहीं होती है, फ्रेंड्स की पॉलिटिक्स चलती रहती है आजकल तो, हाँ। बच्चों में फ्रेंड्स की पॉलिटिक्स चलने लगी, पहले तो नहीं होती थी, वो छोटी बड़ी और सब चीज अभी तो आप सोचो तो जो टेंस में तो सोच रही बच्चों में टेंशन है तो बच्चों में भी टेंशन है तो हो गए तो सारे तो है ही नहीं है जो आपने नहीं लिखे थे, मैं चाहती थी आप बोलो या जाए, पता था आप लोग बहुत आलसी हो नहीं लिखने वाले हो, ये सब लिखा रहे ना पढ़ाई की टेंशन, हाई डिपेंडेंस, डिफरेंट स्टेज और जो नंबर कम आए उसका दुख, तो ये मतलब बच्चों को नंबर ज्यादा का टेंशन हमने किसने दिया, हमने दिया, आपने नॉलेज का टेंशन नहीं दिया, तेरे को नॉलेज होनी चाहिए कि नंबर कम आए जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो उसको नंबर कम आने पर दुख हो रहा है तो ये हमारा गलती है कि हमने उसे नंबर अधिक लाने पर प्रेशर किया है और वो टेंशन में आए, नंबर तेरे कितने भी आए तेरे को नॉलेज पूरी होनी चाहिए। मैं अभी ये फर्स्ट ईयर में थी तो एक सब्जेक्ट था मोरल साइंस, तो मैं उसे पढ़ रही थी और उसमें से पढ़ते क्वेश्चन मैंने पूछा टीचर से, सब स्टूडेंट बोले ये मोरल साइंस में पढ़ने की चीजें क्यों पढ़ रहे हो, इससे नंबर जो ऐड नहीं होते हैं रैंक में। मैंने कहा नंबर रैंक के लिए थोड़ी पढ़ रही हूँ, मैं तो नॉलेज के लिए पढ़ रही हूँ, नॉलेज तो रैंक के लिए पढ़ जाता है, इसमें पढ़ाई में इतना टाइम डालोगे तो दूसरी चीज कैसे पढ़ोगे, मैंने दूसरी पढ़ाई पूरी हो रही फ्री टाइम में क्या करना है, तो वो पढ़ते भी हैं तो रैंक लाने के लिए पढ़ रहे हैं, जो रैंक लाने के लिए पढ़ता है वो रैंक कभी टॉप पे नहीं आता है, जो नॉलेज के लिए पढ़ता है वो रैंक लाता है, क्योंकि जो नॉलेज के लिए पढ़ रहा है उसकी निराश से कुछ छूटना नहीं चाहिए, जो मेरे पोर्शन में मैंने अभी नहीं पढ़ा तो लाइफ में कभी नहीं पढ़ूंगा, तो जब आपको सब कुछ आता है तो फिर क्या हो रहा, आप रैंक नहीं लाएंगे ऐसा कैसे संभव है, कौन आपके नंबर टच कर सकता है, जो क्वेश्चन आया उसके आपके आंसर आने दो, और आप कैसे ही उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ लो घुमा फिराकर पूछ लो आपको जवाब आने दो, आप कैसे रैंक पे नहीं लाएंगे, तो जो हमें ज्ञानवान बनाना है पढ़ाई करने के लिए आपको मतलब करना है टॉप करने के लिए नहीं, टॉप करने के लिए पढ़ते ना तो क्या फिर पढ़ाई कैसे होती है, मानो कि आठ लेसन है, हर लेसन में हमने पुराने क्वेश्चन पेपर देखे, मैं तो सब में एक्सपर्ट थी बहुत, मैं क्वेश्चन पेपर बता दे सकती थी क्या एग्जाम में आने वाला है, पुराने 10 साल के 20 साल के पेपर उठाओ आप टीचर से बात कितने क्वेश्चन होंगे, एक लेसन में 10 ही क्वेश्चन तो निकलते हैं 10 या 20, पर जिन चीजों को मैंने अप्लाई किया ना परमाणु होना से मैं चीजें अप्लाई नहीं करने देती हूँ, मैं तो पता है स्टूडेंट कैसा करेंगे, मैं आपको पेपर लिख नहीं करने देती हूँ, पेपर दो आपके पास नहीं बचेगा, आपने पेपर देखा इसमें से यही क्वेश्चन बन सकते इससे ज्यादा नहीं आएंगे, फिर इसमें से जो टॉप करने वाले होते हैं एक लेसन छोड़ दो, हमेशा चॉइस आती ना दो चीज, हमने आपको चॉइस ही नहीं देती, सब लेसन पढ़ना है, फिर एक हर लेसन में एक लेसन हमने छोड़ दिया पढ़ने से तो वो नहीं पढ़ेंगे तो चले जाएगा, तो उसका जो क्वेश्चन आएगा वो छोड़ देंगे, तो अब वो छोड़ा तो उसका ज्ञान से तो आप वंचित हुए ना, और कदाचित उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया कोई टीचर ऐसा निकला नहीं दिया दूसरे चार आ गए तो आपके मास्टर बन जाएंगे, तो जिसने नॉलेज से लिए पढ़ा मुझे कुछ छोड़ना नहीं वो टॉप कर जाता है, जिसने सोचा कि मुझे फर्स्ट रैंक लानी है वो सेकंड लाएगा, जिसने सोचा सेकंड लाएगा वो थर्ड लाएगा, हमेशा एक रैंक कम आती है, जो आप टारगेट बनाओगे हमेशा उससे कम नंबर आते हैं, क्यों ऐसा क्यों है, रीजन पता है, आप तो अपने हिसाब से सब कुछ सही सही लिख के आती हो पर कुछ तो उसमें गलतियां हो जाती हैं, तो जब आपको आप सोचोगे मेरे 100 में से 100 मार्क्स आएंगे तब आपको 98 मिलेंगे, और जब आपने सोचा 20% में मेरी मिस्टेक हो रही तो आपको 70 मिले, 20% तो आपने समझ ली, बाकी टीचर्स के लिए कुछ छोड़ो उनके कुछ गलती तो वो भी समझेंगे ना, हमने अपनी समझ से सही लिखा हो गलतियां, तो टारगेट हमेशा बड़ा बनाना चाहिए, हाई जंप की ये लाइन है बाउंड्री लाइन, जो टारगेट वाले बनाते वो ऐसे नहीं बनाते मुझे इस ऐसे ट्रॉस सर्च निकलना है, वो सोचते मैं इतने ऊपर से पार होऊंगा, इतना ऊपर का सोचते तो इतने ऊपर से पार होते टच नहीं होते पार हो जाते हैं, जो सोचते कि मुझे यहाँ से पार हो जाऊं तो पार हो जाऊंगा वो यहाँ तक जाते हैं और हार जाते हैं, क्योंकि इसका तक तरीका क्या है, जितनी हाई जंप करनी उतनी ज्यादा दूरी से दौड़ कर आना पड़ता है और उतनी ज्यादा लंबी रेस लेते आपको छलांग लगानी पड़ती है, तो आपको डिसीजन यहाँ लेना है कि छलांग यहाँ से लगानी है कि यहाँ से लगानी है, यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ टकराएंगे, यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ से पार होंगे, आप खुद छलांग मत लगाना पर वो खींचना बॉल फेर फेंक के देखना निशाना लगाना, आप बीच में लगाएंगे तो ऊपर नीचे लगेगा, ऊपर लगाएंगे तो बीच में, और
ऊपर से ऊपर लगाएंगे तो ऊपर से पार हो जाएगी वह, कितनी दूरी पे लगाते हैं। खुद पे इसलिए मना करी, अस्तरी में खुद पे टिया फिर ताने टूट रही, तो फिर मैडम ने बोला इसलिए मैं ऐसी कोई सलाह नहीं देती कि वो बोलती नहीं भैया ऐसा मत करना। और आजकल तो टीवी पे भी लिखा आता है कि कंप्यूटराइज है, बच्चे देखते वैसा करने लगते हैं कि नहीं ऐसा करना नहीं, नकल मत करना, ये ओरिजिनल नहीं है, ऐसे बाद में लिखी आती है। कुछ बच्चों ने ऐसा किया देख के कि हम भी छलांग लगाते हैं, बच्चों को छलांग लगाना बहुत अच्छी लगती है। इसलिए अपनी बात चल रही थी बच्चों के, तो समझ में आ गए कि बच्चों के लिए हमें गाइडेंस सही करनी है। गाइडेंस सही नहीं है तो बच्चे दुखी हो जाते हैं। नॉलेज की ओर उनका ध्यान नहीं है, उसको सही प्रॉपर ढंग से बच्चों में रुचि डेवलप करना है। रुचि डेवलप हो रही तो आपको धक्का मार के नहीं लाना पड़ेगा, सहज में आएंगे। अविनाश युवाओं के दोष आर्य फ्रेंड्स की टेंशन, अच्छे फ्रेंड्स हैं कि नहीं, फ्रेंड्स को बता दिया ठीक है। फिर पेरेंट्स की बंदिश, आपके यहाँ तो फिर भी ट्रम है ना, हमारे यहाँ तो बहुत है, शादी के बाद भी रहती है। हाँ जॉइंट फैमिली रहती है ना, तो बेटा वहां बैठा तो पूछते मम्मी मैं यहाँ चला जाऊँ, पूछता दे रही तो ये कर लो ये पूछ लो, है माइंड सेट वैसा होता है। तो पेरेंट्स की बंदिश, हम कहते तुम खुद डिसीजन लो, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा एक महीने फ्री छोड़ो, नहीं आप बताओ मुझे, वो माइंड सेट वैसा चलता है। तीसरा किसी को पॉकेट मनी कम मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है पेरेंट्स से, तो नहीं उसको तो इतना मिलता है, मेरे को इतना मिलता है, ये आजकल के छोटे छोटे सबके टेंशन बहुत हो जाती है कि नहीं। जब वो जॉब नहीं करते हैं उस समय जी बात है, जब जॉब करने लगे तो खुद कमाने लगी है ना। कैरियर का टेंशन, लाइफ पार्टनर का इनसिक्योरिटी, कैसा पार्टनर मिलेगा, अनुकूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फिर लाइफ पार्टनर का टेंशन। ये अपनी चर्चा यहाँ तक हो गई के लिए। अब ये दुखा साइकिल आएगा जहां हमें चर्चा करनी थी, जहां आई तो मुझे याद आया कि क्लिप चलानी है। ये तो जितने भी दुख लिए थे हमने, इन सब के पीछे क्या था, ठीक है नहीं। अब जिसको जो जो दुख थे, तो बच्चे को आपसे इच्छा थी, आपको बच्चे से इच्छा थी, तो इन सारे दुखों के पीछे मूल कारण क्या है। हमने बताया मेरे सिर में दर्द है, तो दर्द शुरू तो हुआ था मेरे हाथ से, फिर पैर में दर्द गया, फिर सिर में दर्द गया, फिर पेट में गया, तो फिर लास्ट में बोलते सीधा बोलते ना बॉडी में दर्द है, पर बॉडी दर्द तो होती पर है बुखार नहीं है, पर बुखार में जस्ट पहली जो स्थिति होती है ना, तो बॉडी दर्द होना शुरू हो जाती है, और किसी को टेम्परेचर बढ़ता भी और नहीं भी बढ़ता है, 99% पर जाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मूल देखता है कहीं ना कहीं इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, नहीं समझ में आता तो वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड में क्या हो रहा है, तो वो बुखार का पेन दर्द का इलाज नहीं करते, टेम्परेरी इलाज करते हैं, परमानेंट इलाज करते हैं, किसका मूल में जी जड़ का जड़ क्या है, और जब तक पता नहीं चलती जब तक वो शोध खोज उठी जारी रहती है, वो आपके चेकअप कराते रहते हैं, पहले यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, फिर पता नहीं चला सब नॉर्मल आ गया तो एक्सरे, तो उसके बाद और नए नए डेवलपमेंट आते रहे, तो फुल बॉडी का एक्सरे, फिर भी पता नहीं चल रहा है तकलीफ क्या है, तो होशियार डॉक्टर होते तकलीफ आपके शरीर में नहीं, सब स्वस्थ हो, आपके दिमाग में तकलीफ है, अब मेंटली है आपको, इसलिए तब इधर दर्द का सामना, आप कैसे, फिर आपसे पूछते हैं आपकी लाइफ में इंटरफियर करते हैं कि आप कैसे हो, कि अभी अभी मेरे हस्बैंड का देहांत हुआ है, बच्चे अलग रहते हैं, अब उन्हें समझ में आ गया कि आप अकेले रहते हैं कुछ समझ नहीं आता, कभी हाथ में दर्द समझ में आता, कभी पैर में दर्द समझ में आता, तो सारे दुखों की जड़ क्या है उन्हें समझ में आती है अकेला, तो ऐसे सारे दुखों की जड़ हमें ढूंढनी है क्या है, तो बोलते हैं सारे दुखों की, अब आपने जो दुख लिखे थे पढ़ो, तो इन सब के पीछे हमारी इच्छा अपनापन है, अकेलापन है, अकेलापन जो है कि आपने लोगों से बहुत इच्छाएं की और वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, आपका किस चीज का अकेलापन में दुख क्यों महसूस होता है, पहली बात ये सोच लीजिए, अकेले रहे तो बहुत बिल्कुल, जब साथ में तो आदमी दुखी होता है, क्यों कि सामने वाला इतना कचरा फैलाता है हम समेटते रहे, मेरी हिम्मत नहीं है सामने वाला खाना बनाना है, जब साथ में दो जने हैं, चार जने हैं, छह जने, तो दुख कि घर के काम में इतने बिजी रहते हैं अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, अकेले हो रहे तो दुख, तो अब हमें आदत पड़ती है सबके साथ रहने की, उतना काम तो नहीं थी, अपने बारे में सोचने की आदत नहीं है, क्या आप अकेले हो तो क्या करना है, दो रोटी बनानी है, आप जो दो खाते हो चार खाते हो, एक सब्जी बनानी है,
दिन भर फ्री हो, आप अपने स्वाध्याय जो भी आपको करना है अपने एंजॉयमेंट के लिए, आप पढ़ो लिखो चलो। तो हमें तो अकेले जटल, मैंने आपको बताया था हमारी स्थिति कैसे, अकेले पंजे में आदत डालनी चाहिए। हमने अपने माँ बाप को अकेला छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था, ये बताओ। तो वो उन्हें अकेलापन था कि नहीं, तो जो चीजें आपने अपने माँ बाप के साथ फौज उठी थी, आपके बच्चे उन्होंने आपके बच्चों ने वो देखा था। हमारे कहने से बच्चे नहीं समझते हैं, देखते वो फॉलो करते। छोटा बच्चा कैसे सीखता है, आप बोलो कुछ तो कह करते हो, वो बहुत तुरंत फॉलो करता है। तो उनने बचपन से देखा कि हमारे माँ बाप उनसे दूर रहते थे, तो उसको है कि जब माँ बाप बड़े होंगे तो मुझे भी दूर रहना है। तो आपने अपने माँ बाप को अकेला छोड़ा था, स्वस्थ में छोड़ा था, अस्वस्थ में छोड़ा, कितनी सेवा की। और आप अपने माँ बाप के जो प्रतिकूल बच्चे हैं, नालायक बच्चे हैं, उनकी चर्चा नहीं करनी मुझे। उनके बच्चे तो दुखी हैं ही, जो अपने माँ बाप के लायक बच्चे थे। हम अपने आप को लायक बच्चे समझते, हमने माँ बाप की पूरी सेवा की, डर रहे हैं, उनके दुखों की बात है। तो आप जितना डर रहे हो उससे 50% आपके बच्चे आपका डरेंगे। जो नहीं डर रहे तो उसके बाद भी आपके माँ बाप दुखी है कि नहीं, उन्हें अकेलापन लग रहा है। कैसा कि आप वो घर में आपने उनको छोड़ दिया। मैं उस अकेलेपन की बात नहीं कर रही हूँ जो एकदम अकेले हैं जिनके घर में कोई नहीं है। वो तो अकेले हैं ही जिनके घर में बच्चे हैं, पर घूमने जाते हैं उनको जाने नहीं, तो वो छोड़ के जाते हैं कि नहीं। तो वो जिस समय घर में रहे तो अकेला पर उन्हें महसूस हो रहा कि नहीं। तो आपके बच्चे आपको घर में छोड़ के जा रहे तो आप दुखी क्यों हो रहे हो? आपने तो अपने माँ को घर में अकेला छोड़ा था ना, आपने उनके अकेलापन दूर करने कुछ कोशिश की थी ना। चलो मंदिर आना है तो आप छोड़ के आ गए, वो नहीं आ पा रही थी मुझे सुनना है, पर मूवी जाना तो कंपलसरी नहीं है, घूमने जाना तो कंपलसरी नहीं है। फिर 10 दिन के लिए हम और घूमने रहे तो पड़ोसी के पास छोड़ गए, वो तो कंपलसरी नहीं था। जब कंपलसरी की बात चल रही है, बच्चा आपके साथ जा रहा है, देख रहा है कि हम घूमने जा रहे हैं दादी घर में, नानी घर में, उसको माइंड सेट हो गया कि ऐसा करना चाहिए। आप कितने रहते हम साथ नहीं हो रहा। तो जो अकेलापन हमारा माइंड सेट है कि हम अकेले हैं और सामने वाला का भी माइंड सेट है। एक्चुअली में हर व्यक्ति हर समय अकेला ही होता है, अकेलेपन में ही सुख है। हमारे मुनिराज तो घर छोड़ के जाते हैं, सुख तो अकेलेपन में, और उस अकेलेपन को हमने दुख मान लिया। तो वही बात है, बीमारी जो आई है पुण्य के उदय से आई है, पाप के उदय से आई है। आई तो पाप के उदय से, उस अकेलेपन को पुण्य में डेवलप करना और पाप में डेवलप करना, उसमें आप दुखी हो रहे हो कि मैं अकेली 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 हूँ, तो फिर और पाप का उदय आ रहा है, फिर पाप भूल रहे हो। पर उसी को आप पुण्य में परिवर्तित कर सकती हो कि पहले मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, सारी चीजें थी, तो क्या था जिम्मेदारी थी, सब चीजें थी, तो मेरे को अपने लिए टाइम नहीं मिलता था, प्रवचन सुनने का टाइम नहीं मिलता था। अब आप अकेले हो, आपके हाथ पैर चल रहे हैं और आपके पास पैसा है, और आपका पैसा आप अपने ऊपर पूरा खर्च करके जाओ, कोई नहीं है। तो आपके पास गाड़ी ड्राइव करने में तकलीफ है, तो कुछ तो साधन यहाँ हायर होते होंगे जिनसे आप आ सकते हो। तो आओ अपने लिए समय निकालो, दो मंदिर आओ, प्रवचन सुनो, घर में बैठ के सुनो, अब तो सारे साधन ऐसे हो रहे हैं। तो आप अपने लिए जो कमी रह रही है, जो हम नहीं कर पाए, जब तक हाथ पैर दिमाग जो जितने अंग चल रहे हैं, तो यहाँ जो बैठे हैं उनका दिमाग भी चल रहा है और हाथ पैर भी चल रहे हैं, कोई व्हील चेयर पे नहीं आया है, ठीक है। तो वो समय हमें उपयोग करना है। चल हमारी बात थोड़ी सी आधी रही थी, पूरी नहीं हुई थी। जो समय उपयोग करना, जो समय की चीज बताई थी, मैं रहता सुबह के सेशन में बताऊंगी। अब हमारे पास समय है कम, जो हम बैठे हैं, हमने अपनी लाइफ बनाई थी 90 साल की, 80 साल की, आने जो 70 साल की, वो 10 साल तो सब अपने अपनी 10 साल की आयु मान लें, और ज्यादा है। आप दोनों से नहीं कह रही, आप तो 40-50 साल मान लें, ठीक है ना। अने हम 60 के, तो हमने 70 की लाइफ रही है एक्टिव लाइफ, 70 के तो 80 की एक्टिव लाइफ, 90 के तो 100 की एक्टिव लाइफ रहेगी, अभी आपको तो 40-50 साल आराम से रहेगी, ठीक है ना। तो सब अपने अपने हिसाब से, तो उस एक्टिव लाइफ में हमें क्या करना, अपना समय कहाँ डालना, हम कहाँ डाल रहे हैं। समय का उपयोग करना हमें सीखना पड़ेगा। समय का उपयोग का सेशन हम आगे लेंगे, अभी हमारा चल रहा है साइकिल ऑफ दुख। अब ये साइकिल ऑफ दुख है, तो जो मुझे अभी तकलीफें हुई इतनी सारी, उसके पीछे रीजन क्या था, सारा रीजन आया है, इच्छा आया है। हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है तो हमें बिटल में चलते हैं, ये मिलना चाहिए। तो इसमें अकेलेपन में है इच्छा है, गुस्से में इच्छा है, जो सारे सबके पीछे तो इच्छा है कि नहीं है, किस चीज से पीछे इच्छा नहीं है वो बता दो आप। सबके पीछे इच्छा है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुखी होती है।
तो इच्छाओं का ये साइकिल चलता रहता है। इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा की पूर्ति विकल्प उत्पन्न होते हैं, विकल्प होते दुख होता है, आतुलता होती है, आतुलता होती है दुख होता है। अब आतुलता का मीनिंग क्या है आपको समझाना है, अर्थ आप बताइए। इसका भावासन कराऊं सबको, आतुलता का फीलिंग आनी चाहिए ना, भावासन हो रहा तो अच्छा रहेगा। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे आतुलता समझने के लिए। तो आप यहाँ डॉलर चलते हैं, मुझे पता नहीं था, तो मैंने गाड़ी में थोड़ा सा पूछा था, आप कुछ सोच रहे हो रे सुरेखा जी कि डॉलर के बारे में, गाड़ी चलते चलते आराम कर रहे थे, डॉलर के बारे में क्यों पूछ रही है, यहाँ मुझे जरूरत थी डॉलर की। तो अब आप लोगों को दो ग्रुप बनाना है, पर दोनों रिश्तेदार नहीं होने चाहिए ना, हस्बैंड वाइफ नहीं हो, बहन बहन नहीं हो, माँ बेटी नहीं हो, दो अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। और ग्रुप बनाइए, अपने अपने जेब से सौ डॉलर होते हैं, $100 का नोट दिखा दीजिए। मैं नहीं ले रही हूँ तो फिर तो बड़ा कौन सा नोट, अच्छा चलिए कौन सा, कितने डॉलर का नोट है, 20-25 जितने कितने का होता निकालिए, बड़े से बड़ा निकाल लीजिए। तो अब ये मान लीजिए, ये मान लीजिए कि ये जो आप नोट है पेपर रख लीजिए, और ये $100 का नोट है, और जो हारेगा उसे दूसरे को $100 देने पड़ेंगे। जेम खिला रही हो आपको, जेम खिला रही हो आप, तो अभी तो ये पेपर रख लीजिए, मेरे हिसाब से नहीं है ना नोट, ये पेपर रख लीजिए, पेपर दोनों को खींचना है। $100 का नोट होता था इसलिए जो आपको खींचने में डर लगता, और जिससे खींचने में फट गया, तो जिससे फटा उसे सामने वाले को $100 देने पड़ेंगे। तो फटना नहीं चाहिए, पहली बात, असली का नोट है ना, ये डॉलर है तो फटना नहीं चाहिए, और फटा तो उसको देने पड़ेंगे। और मान लीजिए डॉलर आपका है, जो हारेगा उसे सामने वाले को देना पड़ेगा, जो जीतेगा उसको डॉलर मिले, $100 मिलेंगे। ये गेम खेलना है, खेल लीजिए, आप लोग खेलिए 2 मिनट, 1 मिनट में आप जो हारे दूसरे मिलने वाले हैं, तो सब आपस में इसमें से ले लीजिए पर्ची है, आप सब तरह नहीं है, जो नोट है 10 का 20 का उसे $100 मान के खेलिए, बिना नोट डॉलर के तो आए नहीं होंगे, डॉलर तो आने के लिए चाहिए ना, तो क्या करना, जैसे कि आइए, आओ बेटा इधर आओ, देखो कैसे करना है आप हमें बता दिए। हाँ खींचो, हाँ खींचे पर ऐसे नहीं खींचे कि फटे, तो सबके जेब में $10 तो होंगे, $10 को $100 मान के खेलो, जिसकी नहीं तो जो नोट मैं ब्रेड लेके आती हूँ। एक मिनट आप फोन देखिए, फोन देखा है इतने, एक मिनट में जीतना है, सब लोग ले लीजिए, अपने अपने जेब से निकाल लीजिए, दो मिनट रुक बताइए। आप डॉलर की जगह कागज भी ले सकते हैं, सपोज इट्स $2 This you break up, they'll go on your life. Oh, okay. So you can take, drag this a little bit towards you. Oh, okay. मैंने अभी देख सकते।
That's the game. I got a better angle. Okay. I'll give back to you. Bas. Because it's very dark, it's not out there. Yeah. But I think you can get good enough from here. Yeah, yeah, it should be fine. I can. Kya chal raha hai? What is the final conclusion? Give up hi nahi kar rahe. Nahi karenge na? Because it's not tearing. We are doing something, and it is not tearing, and we are not giving it. और अगर ड्रॉप हुआ है, तो दोनों बैठे हैं. ड्रॉ नहीं ड्रॉ हुआ है वो बैठे रहे जिनका गेम ड्रॉ हो गया वो बैठे रहे जो जीते हैं वो खड़े हो जाए दोनों नो वन विल केयर इफ इट्स द रियल करेंसी दैट्स व्हाट इज हैपनिंग दे कैन टेयर इट नो वन वांट्स टू बोथ ऑफ नो वन वांट्स That's low. आप जब खेल रहे थे तो आपको कैसा अनुभव जीतने के बाद कैसा अनुभव हुआ कि आप $100 जीते हैं और जैन शंकर जी तब से हम आपको $100 दिलवाएंगे चलिए जो हारा है वो अपनी फीलिंग बताए जो जीता है वो अपनी फीलिंग बताए पैसे उनके थे वो जीत गए वही जीते थे मैं तो हारा ही नहीं हूँ तो हारा ही नहीं जीता भी हम दोनों जीत ना ये तो give him five more ये तो मैच था ना हाँ ये जितना तो है वो अपनी अपने दिमाग की सोच है वैसे तो आप एक्सपेक्टेशन कम करेंगे तो जीते ही जीते हैं हाँ दीदी आ दीदी जब खेल रहे थे तो क्या भाव फीलिंग चल रही थी जब जीते तो कैसा लगा संतुष्ट हुआ जीतने पर और चले हाँ ठीक है हाँ बैठ जा हाँ चलिए हाँ देखिए बैठ जाइए सब लोग तो हम दोनों ने खेला हाँ बताइए और दोनों ने पहले तो इस कागज के साथ खेला और
मैं पकड़ी रही और वो अपनी तरफ खींच रही थी, तो मैंने उसको खींचने दिया अपनी तरफ लेकिन छोड़ा नहीं कागज। फिर मैंने कहा चलो इसको छोड़ो डॉलर निकालते हैं। तो जब डॉलर पकड़ा तो पहले नूपुर के दिमाग में ख्याल आया कि अरे ये डॉलर है फट जाएगा। तो इसलिए था अपने जैसे डॉलर जो भी निकालो रहे खेल रहे, तो जो एक्चुअल फीलिंग आएगी पेपर वो फीलिंग, क्योंकि हम पेपर किया तो उसको डॉलर नहीं मान पाए। माइंड सेट डॉलर में माइंड सेट है कीमती है, उसमें माइंड सेट है कि नहीं पेपर है फट जाए कोई बात नहीं। इसमें डॉलर जो भी 10-20 निकालो बोलना चाहेगा। हाँ देखिए इन्होंने बताया कि जब हमारे डॉलर था पेपर था तो हमें कुछ फीलिंग नहीं आई, लेकिन जैसे मैंने इनको दिया खींचा तो फट गया तो हमको कुछ फीलिंग नहीं आई। डॉलर था तो सबके दिमाग में एकदम, इसलिए लोगों ने जैसे डॉलर निकाले ही नहीं, पहले से आत्मता आ गई। यहाँ जो सब बैठे हैं तीसरे जब डॉलर नहीं हो रहा ऐसी बात नहीं थी, 10 डॉलर 20 डॉलर तो होंगे नहीं तो वहां से यहाँ आ ही नहीं सकते हैं, पर सब जेब के अंदर बैठे हैं। बाहर निकालने के मैं भी एक आकुलता थी, जिन्होंने निकाला तो अंदर मैच अंदर से नीचे हम इसे फटने नहीं देंगे निश्चिंत थे। फटे ना इसलिए भी कोशिश, तो अंदर से जो फीलिंग आ रही थी दुख की कि फट गया तो क्या होगा, और जिसका था वो तो और डरेगा, जिसका नहीं था वो तो निश्चिंत था। फटेगा तो इसका जाए मेरे पास से कुछ गया नहीं, तो इन्होंने बताया कि डॉलर इनका था तो जिन नहीं था तो उसमें मन में जो फीलिंग आई हमें दुखी थी वो आतुलता उसे बोलते हैं, बेचैनी होने आतुलता बोलते। तो ये आतुलता मेन दोष है, आतुलता की हमें फीलिंग होती रहती, तो जिन चीजों में वो आतुलता की फीलिंग हो रही वो दुख है। तो हमें साइकिल कहाँ से बंद करना पड़ेगा, शुरू कहाँ से हुआ था, नेक्स्ट स्लाइड निकालना। Coming up. हाँ। अब ये इच्छा है, मैंने अपनी साइकिल कहाँ से शुरू हुआ, इच्छा से शुरू हुआ। आत्मता का मीनिंग आपने समझ लिया, दुख है। अब इच्छा का मीनिंग हम समझेंगे, तब जब इच्छा है जहाँ से शुरुआत हो रही है वहीं पे ब्रेक लगाएंगे हम, तो आगे आत्मता वाला फल नहीं मिलेगा हमें। तो डॉलर के प्रति इतने सेंसिटिव थे आप कि तुरंत मेरे इसके बाद दूसरी और तीसरी एक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो दूसरा आपको और फ्री करती और फ्री करती। आपने पहली बार में सारे काम कर लिए, ठीक है ना। तो अब इच्छा जितने प्रकार की होती है, तो हमारी ऐसी इच्छाएं तो अनंत हैं, जितनी वस्तुएं हैं उतनी हमारी इच्छाएं हैं। पर मोशमा प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने चार रूपों में इसे डिवाइड किया है, जितनी भी हमें इच्छाएं हो रही हैं उनको चार भागों में डिवाइड किया है। पहली इच्छा कौन सी है, विषय की। दूसरे पुण्य का उदय, तीसरा पाप का उदय और कसाई की। पहली है विषय की, दूसरी है कसाई की, तीसरी है पाप का उदय, चौथा है पुण्य का उदय। साइकिल ऐसा है, विषय की, कसाई की, पाप का उदय और पुण्य का उदय, चार प्रकार की इच्छाएं ये हमारे लिए। अब इसमें आपको समझ में नहीं आए विषय की इच्छा क्या, कसाई की इच्छा क्या, फिर भी विषय की यानी पांच इंद्रिय के विषय तो इनकी इच्छाएं होती हैं, पर कसायों की भी हमको इच्छा करता है ना, क्रोध मान माया लोभ, थोड़ा सा लगा कि डाउटफुल इच्छा तो ये तो नहीं होती रसाय की, फिर भी कदाचित किसी को हो जाए। पर पाप के उदय की तो इच्छा करता है क्या कि मेरे पाप का उदय आए, और इच्छा से जो हमारा माइंड सेट है पाप का उदय का जो मतलब हमारे सेट है, तो ऐसे लगता है कि पाप का उदय की इच्छा कुछ तो समझ में नहीं आ रही है, तो पूछ क्या है। और पुण्य के उदय की तो सब इच्छा करते ही, पर टोडर मंदिर ने चारों को इच्छा बताया है। फिर वही बात मैंने बताया कि माइंड सेट से जा रहा है और ये शॉर्ट फॉर्म है, विषय की, तसाई की, पाप का उदय, पुण्य का उदय। इसी फुल फॉर्म में जाएंगे हम तो हमें समझ में आएगा। तो ये हमारे मोक्षवाद प्रकाशक में ये हमारे पास ग्रंथ है, इसके शायद चौथे तीसरे अधिकार में, चौथे अधिकार में मैं बताती हूँ, इसमें इन्होंने बताया है। इधर में से पढ़ूंगी नहीं, मैं सिर्फ पेज नंबर बताने वाली हूँ। तो ये बता रही मैं आपको सारे ग्रंथ पढ़ा रही हूँ ग्रंथ के नाम के बिना, अजय अंदर होते तो मैं ग्रंथ के नाम भी नहीं बताती।
तो ये पहली इच्छा का नाम है इनका पंचेंद्रिय के विषय ग्रहण की इच्छा पंचेंद्रिय के हाँ विषय होते हैं पांच इंद्रियों से संबंधित वेद और उनकी ग्रहण की इच्छा अब आप देखिए इस इच्छा में होती है कि इसका मतलब क्या है हमारे पांच इंद्रियों के नाम तो सब जानते ही है स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण फाइव ऑर्डर्स जिन्हें स्कूल में सिखा देते हैं हमें पाठशाला की जरूरत ही नहीं है वो तो सबको आती है तो आप हमें इस रूम में एसी चाहिए क्यों चाहिए कि गर्मी बहुत है तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय हुआ ना ऐसे सर्दी गर्मी सॉफ्ट तो हमें ये बहुत हार्ड है सर्विस थोड़ा सॉफ्ट चाहिए ज्यादा सॉफ्ट है थोड़े हार्ड चाहिए और सबको अपने अपने हिसाब से किसी रोज को इतना कठोर अच्छा होता है ना मुलायम अच्छा होता है जिसको जो अच्छा लगे वो अच्छा होता है ठीक है तो एक स्पर्शन इंद्रिय विषय की इच्छा सबको होती है दूसरे रसना इंद्रिय सब जानते हैं खाने पीने की इच्छा और टेस्टी खाने की इच्छा किसे नहीं होती है सबको होती है तो सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं किसी को नमकीन अच्छा लगता है किसी को मीठा अच्छा लगता है पर खाने की रसना इंद्रिय की विषय की इच्छा सबको होती है ऐसे ही पांच इंद्रियों की विषय की खुशबू की बदबू की बदबूटी इस तरह दृष्टि भी जिसको होती है आप कहते हैं बदबूटी इच्छा तो किसी को नहीं होती है पर मुझे पता है आप सब लोगों को बदबूटी इच्छा होती है आप जो परफ्यूम लगाते हो ना वो खुशबू है बदबू है आप लोगों के लिए खुशबू है मेरे लिए बदबू है खुशबू बदबू आप तो सोचते हैं कीचड़ की बदबू बदबू है नहीं आप लगाते तो मेरे को ऐसी स्मेल ऐसे लगता है कि उस जगह में जाना ही पसंद नहीं करती हूँ जहाँ कोई भी स्मेल दी जाए तो मुझे एलर्जी है तो खुशबू की किसी को इच्छा हो अच्छा लग रहा है किसी को नहीं बच्चे यूज करते जहाँ मम्मी नहीं हो रूम से घर से बाहर निकले तब लगाए घर में नहीं लगाते कानों में म्यूजिक आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक बजता तो पैर थिरकने लगते हैं और मेरे को ऐसा लगता है सिर में हथौड़े बज रहे हैं और आप गाड़ी में भी चलाते हो ना तो मेरे को तो नहीं होता मैं सो जाती हूँ चलता है तो गाड़ी में बैठती साथ सो जाती हूँ वो हथवाड़े बजते हैं तो मुझे मजा नहीं आता ये तो अपना अपना टेस्ट है ना किसी को वो अच्छा लगता नहीं लगता है और जिसने जिसने जैसी हैबिट डाल ली आपने मेरे को बचपन से ऐसे संस्कार पहली बार म्यूजिक बजा और मेरे पैर थिरके बचपन में सबके ऐसे होते हैं और मुझे उस थिरकने पर चांदा पड़ गया तो मेरे पैर थिरकने बंद हो रहे आपके बच्चे ने पैर थिरकाए आपने तालियां बजाई तो आपके बच्चे थिरकने शुरू ये तो ऐसे इंटरेस्ट डेवलप होते हैं तो अच्छा हो रहा है पांचों इंद्रियों के विषय की इच्छा हम सबको होती है तो जो इच्छा हो रही है तो उससे हमें सुख हो रहा है दुख हो रहा है दुख तो पांचेंद्रिय विषय की इच्छा नहीं करना एक इच्छा दुख के कारण है तो पंचेंद्रिय की इच्छाएं जो हम कर रहे हैं जिसके लिए पैसा कमा रहे हैं वो दुख का कारण होगी क्लियर अब दूसरी विषय का मतलब क्या है विषय की इच्छा से मतलब क्या है पांच इंद्रियों के विषय और ग्रहण की इच्छा उसका शॉर्ट फॉर्म में पंच विषय की इच्छा अब दूसरा इच्छा का नाम है कसाय तो कसाय भावों के अनुसार कार्य करने की इच्छा कसाय भाव उत्पन्न है वो नहीं हमारे अंदर जो कसाय भाव पैदा हो रहे हैं उनके अनुसार कार्य करने की इच्छा मेरे अंदर गुस्सा पैदा हुआ तो गुस्सा के अनुसार मेरी इच्छा होती है ना चांटा मारो क्रोध रसाय है ना उसका दूसरा रूप है ना बदला लेने की इच्छा हुई ना तो मान हुआ तो उसके अनुसार हमें काम करने की इच्छा होती है कि नहीं देखो आप लोगों मेरी टेबल थोड़ी छोटी है इतनी टेबल तो आपके पास भी मेरी टेबल थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी ना आपको बड़ी दी है तो आप सब लोगों के लेवल पर मुझे बिठाया मुझे थोड़ा ऊपर बिठाना था ना तो मान की इच्छा आपकी सेफ्टी का डर लगता था ठीक है ना तो ये कसाय भाव होते हैं क्रोध मान माया लोभ मायाचारी हम करते हैं लोभ भाव करते हैं और उसके अनुकूल ये चीज मुझे मिल जाए ये मिल जाए मिल जाए तो जो आप सेल में लेने जाते हो क्या है आपके लिए जरूरत थी सेल में आई इसलिए समझ में आ गया देखो अब मुझे देखो आप क्रोधार हो तो अपना मुझे ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है तो ये क्रोध मान माया लोभ ये टसाय हैं इनके अनुसार जो कार्य करने की इच्छा हुई वो टसाय कर तो वो इच्छा है वो दुख के कारण वो हमें समझ में आ गया अब पाप का उदय तो जो शरीर में बाहर अनिष्ट कारण हमें मिलते हैं
उनमें जो हम दुखी हो जाते हैं, फिर उन्हें जो दूर करने की इच्छा होती है, बीमारी हुई तो बीमारी को दूर करने की इच्छा हुई, अकेलापन हुआ अकेलेपन को दूर करने की इच्छा हुई, जो जो कष्ट आ रहे हैं उन्हें दूर करने की इच्छा है, वो पाप का उदय, उस इच्छा का नाम पाप का उदय दिया है। टेक्निकल शब्द है, टेक्निकल रूप, पाप का उदय आना नहीं है वो इच्छा, पाप का जो उदय आया है उसे दूर करने की इच्छा तो हम सबको हो रही है ना, उसके लिए तो बैठे हैं, तो वो भी वो इच्छा भी दुख का कारण है, वो इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। जो पांच पांडव थे, एक उदाहरण कहानी पता है पांच पांडवों की, और सारी कहानी स्वामी, वो मुनिराज अवस्था में थे, ध्यान करने बैठे, तो पांचों ध्यान कर रहे थे, तो उनका बैरी आया, इनने हमारे यहाँ दुख दिया था, तो उनने उस बदला लेने के लिए उसके ऊपर सिरड़ी सिर के ऊपर जला दी। तो तीन जो थे वो तो अपने आत्म ध्यान में बाद में उदय आया, तो इसमें मुझे पाप उदय को पाप रूप नहीं बोला, आत्मा में लीन हुए और उनको मोड़ छोड़ दिया। जो छोटे दो थे उन्हें विकल्प आया क्या कि मेरे साथ मेरे भाई नहीं भावलिंगी मुनिराज थे, मेरे साधर्मी भाई का दुख दूर करने का विकल्प आ सकता है मुनिराजों को, तो मेरे साधर्मी भाई है जो ध्यान कर रहे हैं, जैसी हमारे ऊपर सिरड़ी है ऐसी उनके ऊपर भी होगी, तो उनका दुख दूर करने की इच्छा हुई, पाप का उदय दूर करने की इच्छा हुई, तो वो इच्छा उत्पन्न हुई तो उनको मोक्ष नहीं मिला, रहे सर्वा सिद्धि में रहे, पर रहे तो संसार में ना, उतने समय के लिए संसार में अटक गए, फिर मनुष्य भाव में आना पड़ेगा, फिर मुक्ति मिलेगी ना, रहे तो संसार में ना, तो ना हमें साधर्मी भाई हैं, उनके दुख दूर करने की, मुनिराज भाई भी थे, साधर्मी भाई थे, मुनिराज थे, वो इच्छा भी दुख का कारण है, इच्छा होनी नहीं, उसका अंश है, कैंसर कितना अंश में हमें होना चाहिए, कहां तक, यहां मुझे कैंसर हुआ है तो उंगली कटवा, उंगली आप मेरे को चॉइस पूछो, वैसे तो आपके 10 उंगलियां हैं, इसमें से एक उंगली काटनी है, कौन सी कटवाऊं, मैं आपको कहूंगी नहीं मुझे कोई सी नहीं कटवानी है, 10वां जरूरी है, अंगूठी रखनी है, नहीं कटवा देना, ऐसे स्वस्थ है चॉइस तो नहीं कटवाना। अब मेरे को इस उंगली में हो रही है जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, ये उंगली में हो रही है मेरे को कैंसर, तो कटवाऊं, वो यहाँ हुआ है कैंसर, तो इतने से मैं यहाँ हुआ है, और डॉक्टर यहाँ से नहीं काटते हैं, तो यहाँ से काटते हैं, पता क्यों, कि ये थोड़ा यहाँ तो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ इतने समय फैला हो रहा और इतना समय सेफ साइड, हमें नहीं पता इतना तो फैला दिख ही रहा है, सेफ साइड थोड़ा थोड़ा अंश भी हो रहा तो यहाँ से यहाँ फैल जाएगा, तो सेफ साइड में इतना ज्यादा नहीं जितना कोई चांस नहीं रहे। अब ये काम डॉक्टर करते हैं तो आपको पता नहीं है, जो आपको पता है बता दो, एप्पल खरीदते हो, एप्पल ज्यादा देर में सड़ते हैं, नख नाशपाती जो सॉफ्ट होती है पेड़, वो सॉफ्ट होते हैं जल्दी खराब होते हैं, महंगे आते हैं, तो सड़ता है तो पूरा इतना सा ऊपर ना दवा लाल हुआ जितना फेंकते हो, जितना खराब हुआ उतना, और फिर थोड़ा सा नीचे आने से तो हम ज्यादा कहते हैं थोड़ा सा बड़ा, अकेले घर में है तो जितना खराब हुआ उतना ही फेंकते हैं, घर में मेहमान आए हैं तो थोड़ा सा ज्यादा तो पूरा नहीं फेंकते हैं, आम है हापूस है ये है ना, तो डॉक्टर भी ऐसे पूरा इतना हाथ थोड़ी काटेगा, पर सेफ साइड का अंश भी लाल अंश दिखना नहीं चाहिए, घर में दिख जाए तो चला लेते हैं, मेहमानों को थोड़ा दिखना नहीं चाहिए तो पूरा फिटेगा, तो इतनी उंगली कटवाना मुझे अच्छी नहीं लग रही है, पर ये यदि रही तो मैं मर जाऊंगी, तो भैया कितनी उपयोगी हो, पर इतनी सी नहीं, आप इतना उसका अंश भी नहीं आ रहे द्वारा नहीं तो मुझे हाथ यहाँ इतना सा टाटा छोड़ दिया तो इतना का नौबत आएगा, छोड़ दिया इतना नहीं तो फिर इतना जाएगा, फिर इतना जाएगा, फिर एक जाली तो इनसे काम चला दूँ रखता हूँ, ऐसे तो कुछ भी नहीं कटवाना था, फिर अब नहीं आप इतना काट दो मैं हाथ तो रह जाएगा, बढ़ गया तो पूरा हाथ ही जाएगा, यहाँ बढ़ा तो यहाँ जाएगा, और जो दो दिन और सोच नहीं रहा तो यहाँ तक जाएगा, नहीं नहीं भाई उंगली काट दो सेफ साइड इतनी ज्यादा कर देना, आपको जो करना करो मेरे से पूछो मत, कैसे हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि नहीं मेरे से पूछो भी नहीं, जो आपको अच्छा उचित लगता हो उतना कर लो, क्यों कैंसर है दुखदायी है उसका अंश भी बुरा है, तो इच्छा भी ऐसी कैंसर है दुखदायी है किसी भी अंश में रह गई, नहीं मैं तो सिर्फ क्या कर रही हूं
कि उनको जो दुखी हैं, जो होमलेस हैं, उनका दुख दूर कर रही हूँ। मैं तो देव दर्शन करने जा रही हूँ, मैं तो पूजा करने जा रही हूँ, पर पूजा की इच्छा तो हुई ना, मैं तो मुनिराजों का दुख दूर करने की इच्छा तो हुई ना। आप तो इच्छा को उत्पन्न नहीं, इच्छा को दबाना नहीं है, इच्छा को समाप्त नहीं करना है, इच्छाओं को उत्पन्न नहीं होने देना है। इच्छा उत्पन्न हुई तो बस कैंसर को अपने में पैदा नहीं हो, पैदा हुआ तो कटेगा। आपको अपने आप को बिना कटे रखना है, तो ऐसी चीजों से बचो। यदि ये आ जाता है कि बोतल में पानी पीते कैंसर हो जाता है, पहले प्लास्टिक की बोतल कितना चलन था, अब जो आया तो ये तो क्या है, कई चीजें तो इसमें तो इनके प्रोपोगंडा होते हैं, उन्हें यूज ऑप्शन करवाना तो कह दिया कैंसर, कैंसर से सब डरने लगे फेंक दिए। ये की बोतल बार बार यूज करते हैं, हमारा धंधा कैसे चलेगा। बोतल लियो नल से भर ली, बोतल लियो नल से भर ली, इन्हें तो रोज नहीं खरीदवाओ तो तुम क्यों बेच रहे हो। यदि वो प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से कैंसर होता है माना, तुमने कहा माना, तुम भर के क्यों बेच रहे हो उसमें। वन टाइम तो यूज है, ज्यादा दिन रखो तो अपने पीना चाहिए, तो ज्यादा दिन तुम्हारे पास कितने दिन रहती है, तुम्हारे पास 3 महीने 6 महीने रहती है कि नहीं, वो ज्यादा दिन नहीं थोड़े दिन है। हम तो 24 घंटे भी नहीं रखते हैं, 10 मिनट भरियो पी ली, तुम यूज करो तो कैंसर, हम भरते दे रहे तो कैंसर नहीं। तो ये तो बिजनेस बढ़ाने का तरीका है, हो सकता है होता हो, पर उसके आप आरएनडी करो, और फिर आप बिस्लरी की बोतल लेके भी मत पानी पियो। यदि छोड़ना है तो इतना ना हो, घर से स्टील की बोतल में भरती लेके जाओ, जब बेचना है तो उपयोगी, तो ये गलत है, ये आपको बीमारी भी करेगी। या तो इतना नहीं आते ऐसा, एक बार कोई भी चीज एक बार में नहीं होती। मैंने एक बार इस रुमाल पे हाथ रखा, गंदा नहीं होगा, हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा हमें पता नहीं चलेगा। हमारे सोफे होते हैं, रुमाल में तो पता नहीं चलता, सोफे होते हैं कैसे गंदे हो जाते हैं। पहले दिन मैंने प्रतिदिन हमारे सिर्फ और कुछ नहीं करते, सिर्फ टच करते हैं, टचिंग होती है कि नहीं उनसे हमारी, इस टचिंग में गंदे होते हैं, तो इसलिए प्रदर्शनी होती है ना, एग्जीबिशन, कहते डोंट टच, क्योंकि आपने 100 लोगों का टच किया, आपको लगता मैंने एक बार किया कुछ नहीं हुआ, नहीं दिखा कुछ नहीं हुआ, आप 100 बार टच करोगे तो यहाँ गंदा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने 100 बार टच किया, गंदा है, अंदर से ठो दूंगी तो साफ निकलेगा। इसका मतलब एक बार मैं भी गंदा होता है, हमें नहीं पता चलता है, रूमाल को पता चल जाता है और टेबल जाने को पता चलता है। तो अपनी चर्चा क्या चल रही थी, उदाहरण नाटक रहे भूल रहे, पाप का उदय। तो इच्छा है पाप के उदय को दूर करने की इच्छा, तो पुण्य के उदय को दूर करने की इच्छा होती है किसी को, जैसे पाप का उदय को दूर करने की इच्छा है, तो ऐसे पाप का उदय पुण्य का उदय दूर करने की इच्छा होती है। पुण्य का उदय तो हमें मिले ऐसी इच्छा होती है। तो चौथी इच्छा का नाम है पुण्य का उदय, और पुण्य के उदय के अनुसार जो सामने हमने जो 3 इच्छाएं ऊपर की थी, उन इच्छाओं की पूर्ति हो तो उसने पुण्य का उदय हो तो उन इच्छाओं की पूर्ति होती है, अन्यथा नहीं होती है। ये पुण्य के उदय, ऊपर पहले जो 3 इच्छाएं उनकी पूर्ति की इच्छा, वो पुण्य का उदय, उसका नाम है पुण्य का उदय। पाप के उदय है उन्हें दूर करने की, देखो बर्डन सेम है, पाप का उदय पुण्य का उदय बर्डन सेम आ रही है, ठीक है, लेकिन मतलब दोनों के अलग है। इसमें लिखे हुए हैं, मैं पढ़ के नहीं सुना रही हूँ, बस आपको घर जाके पढ़ना है ना। तो ये पुण्य का उदय, 4 इच्छाएं समझ में आई, तो तीनों इच्छाओं के अनुकूल काम करने की इच्छा, वो उनकी पूर्ति हो, वो चौथा उदय पुण्य का उदय। तो वो पुण्य का उदय जब होता है तो उन इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, और पाप का उदय होता है तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। तो इच्छाएं का उत्पन्न हुआ, हमारे अंदर रही, पली, बढ़ी, हमें निरंतर दुख देंगी, आकुलता देंगी। अब आप देखिए इच्छाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो रही हैं, उनसे हमें आतुरता हो रही है कि नहीं हो रही है। अब देखो अपने अंदर कोई इच्छा पैदा करके देखो, कोई भी इच्छा, और दिन रात हमें इच्छाएं पैदा होती रहती हैं, नहीं होती ऐसी बात नहीं है, हो रही है कि नहीं। तो जो ही हमें इच्छा, चलो हम एक उदाहरण लेते हैं, टीवी खरीदना है, कार खरीदने की इच्छा, नया बंगला खरीदना है, बड़े लोग हैं तो बंगला खरीदेंगे, बच्चे लोग नया टॉय खरीदना है, दोनों उदाहरण ले लेते हैं, नया खिलौना खरीदना है बच्चे को। आप मार्केट में रहे, आपको कोई चीज पसंद आई, अब मार्केट में जाने की जरूरत नहीं, टीवी पे ऐड आ जाते हैं बच्चों को लुभाने के लिए, टीवी पे ऐड आया और आपने देखा ये खिलौना चाहिए,
अब बच्चे को लगा कि मम्मी से हम कैसे खिलौना फेंक दबाएं। तो जब मम्मी का मूड बहुत अच्छा होता है, फिर मम्मी ऑफिस से आई तो मम्मी मैं आपके लिए पानी लाऊं, मम्मी आपको क्या बनाऊं, चाय बना दूं, जो जैसी है उम्र की होती है, मम्मी आपके सिर दर्द हो रहा था मैं सिर दबा दूं, तो मम्मी पूछती क्या बात है, आज क्या चाहिए, मम्मी ये ऐड आ रहा है कुछ ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा है ना, ऐसा टॉय अपने पास नहीं है ना, होना चाहिए ना, मैं अभी नहीं कह रही हूँ पर मेरी बर्थडे पे तो आप मुझे दे सकती हो ना, तो मैं बर्थडे को और कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ ये चाहिए मेरे को। आने वो सब बच्चे अपने अनुकूल अपने हिसाब से सारा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न हुई तो मैं आकुलता हुई, तो ये कहते हैं अब इस नेक्स्ट स्लाइड आइए, ठीक है, आकुलता हुई है तो हमें ये इच्छाओं को समाप्त करना है, तो आकुलता समाप्त करनी है, आकुलता हुई तो दुख हुआ, उसकी पूर्ति में सुख महसूस होता है पर सुख होता नहीं है, ठीक है। अब हाँ एक नहीं, इससे पहले वाली एक स्लाइड थी, एक स्लाइड ये है, ये वाली आज देखो पीछे होगी भी नेक्स्ट, हाँ ये वाली। अब हमें दुख समाप्त करना है तो आकुलता समाप्त करनी होगी, आकुलता समाप्त करना है तो विकल्प समाप्त करनी होगी, विकल्प। अब उसे इच्छा पैदा हुई थी ना तो उसे बिटल ये चाहिए, तो बिटल चलने शुरू हुए कि मम्मी को कैसे पटाऊं, चेस्ट लेसे आऊंगी, फिर उन्होंने जवाब दिया, फिर बिटल चलते रहे, फिर तो एक रास्ता सूझा, बर्थडे आ रही है, बर्थडे पे गिफ्ट लिए प्रेजेंट, तो वो बिटल चले तो आतुलता और अधिक हुई, आतुलता उद्भव हुआ। अब ये साइकिल खत्म करना है तो कहां ब्रेक देना है, इच्छा उत्पन्न देना, इच्छा उत्पन्न नहीं हुई बिटल नहीं चले, बिटल नहीं चले तो आतुलता नहीं, आतुलता नहीं हुई तो दुख, तो इच्छा का ये साइकिल हमें समाप्त करना रहेगा। तो ये हमारे हमें जो सारी तकलीफें थी, जो दुख थे, दुख दूर करने का एकमात्र कारण है जो इच्छा, इच्छा को हमें समाप्त करना, इच्छा को समाप्त करेंगे तो हमें दुख नहीं मिलेंगे। अब इसका बचने का उपाय क्या, उसके लिए फिर 90 मिनट का एक सेशन चाहिए पड़ेगा, ये हमारे 2 दिन के सेशन होते हैं, 1 दिन 90 मिनट में नहीं हो रहा, उसका है उपयोग का प्रयोग। आज शाम को हमें टाइम नहीं रह रहा, कल सुबह नहीं तो कल शाम को, कल तो संडे फिर भी आ सकते हैं, तो जैसे आज शाम को 7 बजे से आपने सेशन रखा है, कल शाम को 7 बजे से फिर सेशन रख लेना, तो उसके लिए फिर हमें एक सेशन भी जरूर है उपयोग का प्रयोग। तो 7 बजे स्वाध्याय है इधर, वो तो प्रोग्राम ये बताएंगे क्या है, मेरे को पता नहीं है आज के क्या प्रोग्राम है, कल के क्या है, तो आप समझ रहे हैं, ये समझ में आया, ये साइकिल हमें, ये साइकिल कैसे खत्म हो रहा, उसका शीर्षक है आर्ट ऑफ एपिलाइट में उपयोग का प्रयोग, उसका हम करेंगे कैसे कर सकते हैं, उससे कैसे हमारे दुख दूर होते हैं, इच्छा अभाव होता है, वो हमारा दूसरा सेशन में उसको लेंगे, ठीक है। जय जिंदगी। अब किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो जिंदगी। तो आर्ट ऑफ एपिलिटी, चलिए आज की क्लास हमारा जिंदगी स्तुति करते हैं। जावाणी ते ज्ञान ते सुझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देते लो। अच्छा मैं आपको एक परमात्मा मॉनेस्ट्री बारे में और जानकारी देना चाहती हूँ, अभी दे दूँ किस हम दे दो ना दे दो कि ये हमारा परमात्मा मॉनेस्ट का एक कोर्स चलता है, इसमें 5 साल का कोर्स है, डरिए नहीं, डेली नहीं है, हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे आपको क्लास चलती है, वो 2 घंटे भी आपकी सुविधानुसार हैं, वीकेंड में चाहिए, सैटरडे चाहिए, संडे चाहिए, हमारी बहुत सारी बैचेज रहती हैं, 20 स्टूडेंट होते हैं तो 20 स्टूडेंट का हम क्लास खोल देते हैं, तो यदि आपके 20 स्टूडेंट और सेम टाइम चाहिए, जो टाइम जैसा चाहिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों मैच चलते और टीचर आपको 2 घंटे में पढ़ाते हैं, 6-6 महीने का पोर्सन है, किताबें हम आपको प्रोवाइड करते, जो किताबें हमारे पोर्सन में हिंदी इंग्लिश गुजराती मराठी तमिल तेलुगु सब भाषाओं में हमारे कोर्स चलते हैं, जिस भाषा में आपको पढ़ने हों, और उसमें ओपन बुक एग्जाम है, और ओपन बुक एग्जाम में 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि आप यहाँ बैठे क्लास में जो क्लास सुन रहे हो तो 10 मार्क्स उसके सुनने के बाद उसकी आप समरी बताएंगे, 10 मार्क्स उसके उसका नाम है धड़धड़ मूल्यांकन, फिर जो आपने सुना है उसे अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे उसका नाम है विषय विशारद, उसमें 10 मार्क्स मिलते हैं, फिर हम आपसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं उसमें 10 मार्क्स देते भाव भाषण, फिर आपका हम एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है जो 6 महीने के बाद होता है, उसमें ऑनलाइन ही आपको सारे काम करने, एग्जाम देना है, आपने एग्जाम दिया सिर्फ राइट और रॉन्ग करना है, 4 ऑप्शन दिए कौन सा सही है क्या गलत है,
और सारी चीजें बताएंगे, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, और आपने आंसर शीट फुल की और तुरंत आपको नंबर चेक होके आ जाएंगे, आपको कहाँ गलती कहाँ, और सही आंसर भी आपको बता देते हैं ये सही है गलत है, और नंबर मिल जाएंगे। फिर हम एक पुस्तक पढ़ाते हैं दो महीने में, सिर्फ हमारे 50 घंटे का सेशन है, 25 क्लास है, 50 घंटे, एक सेशन 2 घंटे का होता है, तो हमने एक सेशन एक पुस्तक आपको पढ़ाई, उसका रिविजन करवाया, उसके बाद उसके ऊपर असाइनमेंट देते हैं आपको घर से करने के लिए, और उसमें 10 से 15 दिन आपको देते हैं आराम से घर से लिखिए। तो क्या होता है, इससे जिब रीजन कारण बताओ, दो उदाहरण बताओ, जैसे एक उदाहरण मैंने दिया, दो उदाहरण आप बताइए। आपको अपनी भाषा में लिखना है, शास्त्रों की भाषा में नहीं लिखना है, घर में शांति से बैठकर लिखना है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। और एक टेस्ट हिस्ट्री देते हैं, हमें बता देते, मान लीजिए कि आपके पड़ोसी या किसी की डेथ हुई और आपको उन्हें समझाने जाना है, तो अनित्य भावना के आधार पर आप उन्हें सांत्वना कैसे देंगे। तो हम जैन दर्शन का सिद्धांत दिया अनित्य भावना, वो एक्सप्लेन किया, अब आप अनित्य भावना के आधार पर उन्हें समझाइए, इसका नाम है टेस्ट हिस्ट्री, तो आप उसमें लिखेंगे अनित्य भावना के आधार पर ऐसे समझाएंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ पर कैसे एप्लीकेशन करें वो सिखाती हैं, और उसके मार्क्स हैं। तो एग्जाम से आपको डरना नहीं है, और जूनियर बैच भी है हमारा, सीनियर बैच भी है। जूनियर बैच में साल में 1 बार परीक्षा होती है, सीनियर बैच में साल में 2 बार होती है। सीनियर बैच थोड़ा स्लो है, जूनियर बैच स्लो है, सीनियर बैच थोड़ा फास्ट है, पर उसमें बेसिक नमोटार मंत्र से लेकर एंड तक सिखाते हैं। जो आपको कुछ भी नहीं आता हो उधर से स्टार्ट करते हैं, और एक स्टेप बाय स्टेप हम सिखाते चलते हैं, और 5 साल में तो जो आप हमेशा सुनते हैं क्लास में विशेष फायदा होता है। तो आपकी क्लास में यहाँ पर ये हैं, तो इनको नुपुर जीरो क्या लाभ हुआ ये बता देंगे आपको। तो इस तरह से हमारे सरत है, उनका हमारे मेल आईडी है, तो वो इधर स्ट्रिक्ट बता चला दीजिए, मेला जो भेजा था परमाणु मोनस का फ्लायर भेजे थे ना प्रदीप जी, परमाणु मोनस से फ्लायर आपको भेजे थे ना, इसमें है नुपुर जी आपने है ना वो फ्लायर दोनों जीरो, इसमें बता दिए गुजराती इसमें है, तो उसमें आप हमारा मेल आई डी, कई लोग पूछते हैं कैसे चलता है ये चलते, और आपको कुछ क्वेश्चन और क्वारी तो कर सकते हैं, उसको आप ऑनलाइन ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारी इस टाइप की क्लासेज चलती हैं, और सारे क्वेश्चन पेपर भी ऑनलाइन आता है, आंसर शीट भी आपको ऑनलाइन भेज दी, सारे काम ऑनलाइन है, और रिकॉर्डिंग जो क्लास आपकी मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग रहती है, तो आप कभी भी सुन सकते हैं, तो इसलिए आपकी कभी कोई क्लास मिस नहीं होती है। सारी चीज़ें आपको टीचर से द्वारा आपको आधा घंटा टीचर्स पढ़ाती हैं, फिर आपसे पूछते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए। इसी तरह से जैसे मैं आपको ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, इसी तरह से हमारे चलते हैं। तो यदि ऑनलाइन में हम आप तो सिर्फ दूसरे हैं, फिर भी हम आपको जगाए रखते हैं, आप क्लास छोड़ेंगे तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि हम बार बार पूछते हैं आपने क्या सुना क्या समझा, तो किसी से भी पूछ सकते हैं समझिए आप बताइए। तो इस तरह से हमारे सेशन चलते हैं, ये 5 साल का पूरा कोर्स है इसमें, और लगभग एक सेशन में 12 पुस्तकें पढ़ाते हैं, तो 8 पुस्तकें हम पढ़ाते हैं, और 2 पुस्तकें हमारी 4 पुस्तकें ऐसी रहती है जो आपको सेल्फ में पढ़ना है, तो उसके हाईलाइट पॉइंट हम आपको बताते हैं, आप पढ़ती आइए, कुछ समझ में नहीं आया है तो हम बताएंगे। फिर धीरे धीरे ऐसा भी करते हैं कि आप आइए पैराग्राफ एक्सप्लेन करिए, सही है या गलत है, कुछ कमजोरी लग रही है तो वो बता, तो आप उसे बताने का स्टिल भी हम डेवलपमेंट कराते हैं उसका। इस तरह से 5 साल में इस योग हो जाते हैं कि सारे शास्त्र आप स्वयं पढ़ सकते हैं, और अपने बच्चों के आसपास के लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इसी योग पे बन जाते हैं। परमाणु मोनस का ये कोर्स वहाँ चलता है, तो जो लोग भी इसमें ज्वाइन होना चाहें तो ऑनलाइन ज्वाइन हो सकते हैं, बाकी डिटेल जानकारी नुपुर जी से ले लें, और कल शाम को उसके फ्लायर इधर चला था, आज शाम को ये हमारा आर्ट ऑफ एप्लीमेंट है जो सेशन करते हैं, सेशन हुआ है, सिर्फ 2 दिन का हमारा सेशन होता है जिसमें आप किसी जानकारी ले सकते हैं। Lunch, the church building. So if we all follow out, next to the kitchen door, outside, the food and kitchen area on the right hand side. That's the place where the food is being served. So please, everybody, join us. And some and for the evening program, we'll start at 7 o'clock. Even though the aarti is at 7:30, we'll all meet at 7 o'clock. After the aarti, we'll have the bhakti program, and that will continue with different aspects, especially concentrating of.